टू सी यू सर। कैसे हैं सर आप? हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू रवि स्टॉक्स। दिस इज प्रेजेंटेड बाय द वॉच फैक्ट्री, पावर्ड बाय द ऑप्टिका बार एंड सपोर्टेड बाय द वाह, ब्रांड एंड आर्टिस्ट फैक्ट्री। तो सर, आपका सपोर्टेड स्वागत है बाय। इसमें। सर, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, सर, कुछ आप बोल रहे थे, सॉरी, मैं पूछ रहा था सपोर्टेड बाय हु? द ब्रांड एंड आर्टिस्ट फैक्ट्री। ब्रांड एंड आर्टिस्ट फैक्ट्री। हाँ, ये बात सही की तुमने। ये यस हमारे सर, अंकित वशिष भाई है, बहुत ही फैबुलस ह्यूमन बीइंग। ही शुड बी ऑल ओवर इंडिया। यस सर, यस सर। क्या हाल है रमेश? गुड टू सी यू। एंड तुम्हारे मिक्सेस बहुत ही, मुझे आई रियली लव ऑल द वर्क दैट यू डू। इट्स प्योर थैंक यू, थैंक रिगेटोन। यू, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, थैंक यू सो कि मच सर, वो थैंक यू सारे सो मच। कुछ जो भी तुम बनाते हो प्योर रिगेटोन है। इट्स नॉट द काइंड ऑफ रिगेटोन जो बनता है इंडस्ट्री में, करेक्ट सर, उसमें थैंक प्योरिटी है एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यू सो मच सर। सर, आपसे ये चीज सुन के सर और मतलब छाती चौड़ा हो गया सर आपसे सर। सो अच्छा सर, वेलकम रोशनी, वेलकम सकीना, वेलकम अजय, वेलकम ऑल द ब्यूटिफुल पीपल हुएवर इज ट्यून्ड इन राइट नाउ यस टू राविश का लाइव शो, सर, इट्स कॉल्ड रवि माय स्टॉक्स। फेवरेट डीजे। थैंक यू सर। अरे सर, आपने ज्यादा तारीफ कर दी सर, नींद नहीं आएगी अब मेरे को। अच्छा सर, शुरू करें सवालों का सिलसिला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, तो सर, आप डीजे बनने से पहले एक डांस कोरियोग्राफर थे। फिर जी मैंने पढ़ा है कि आपको एक नाइट क्लब के मैनेजर निकोलस फर्नांडिस ने एक बार मौका दिया था, क्योंकि उनके क्लब का डीजे आया नहीं था, तो उन्होंने जी आपको जी मौका जी दिया, उन्होंने मौका दिया कि आज आप प्ले करें, और जी आपने प्ले करो, और वहां से आपकी डीजेइंग की स्टार्ट हुई। फिर आपने जी लंदन जाके डीजेइंग सीखी। तो सर, ये हाँ, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे हम। ये जो मैं जब यहाँ पर शुरू जब मैंने किया था, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पे क्लासेस नहीं थी और कोई सिखाने वाला भी नहीं था, कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं थे। तो मैंने सोचा कि ये जहाँ से शुरू हुआ है वहां जाके इसको सीखना जरूरी है। ओके, स्पीक एज द रोमन्स और बी एज द रोमन्स एंड बिहेव एज द रोमन्स डू और द इंग्लैंडर्स डू और द न्यूयॉर्कर्स डू। सो दैट वाज द होल आइडिया। तो मैंने कुछ पैसे जमा किए और टिकट खरीदी और फिर वहां गया, इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। और मेरे दोस्त थे वहां पर, सुकू सुदर्शन जो इंडियन है और साउथ इंडियन है, और वो वहां पर बेस्ड थे लंदन में। ही वॉज ऑलरेडी ओके, एग्जिस्टिंग डीजे और लंदन में। और वहां पर जो मैंने ये बहुत कुछ सीखा, और बिसाइड्स द क्लासेस जो मैंने ज्वाइन किया था, जूलियाना स्कूल ऑफ डीजे नाम था वो इंस्टीट्यूट का, और वहां पर मैंने ये सारा जो है आर्ट जो है ऑफ डीजेइंग ये सीखा। और वो सिर्फ आपको डीजेइंग की टेक्निकलिटीज नहीं सिखाते हैं, वो तुमको एक पूरा जो एक होता है पर्सनालिटी बिल्डअप, ओके, यस सर, आपका रहन सहन, आपका पहनना ओढ़ना, आपकी चाल चलन, आपका सब कुछ, दे बिल्ड यू अप एज अ एज अ एज अ प्रेजेंटर, एज अ हार्ट ऑफ द कॉन्सोल। तो वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है, बहुत ही अलग चीज है वो। और फिर जो एडवांटेज था वो था सुक्कू सुदर्शन जो मेरे दोस्त थे, और वहां पर एक शाम को जमात होती थी, सारे लंदन के जो मेन क्लब्स थे वहां के जो डीजेस होते थे वो वहां पर आके बैठ के बात करते थे, डिस्कस करते थे म्यूजिक, और ओके, कि ये सीजन का कौन सा म्यूजिक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे यहाँ नहीं होता, इंडिया में ये करेक्ट, चीज नहीं है, कि करेक्ट सर, ये जो है महीना जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च में हम क्या किस तरीके का म्यूजिक प्ले करेंगे। अगर ओके, हम टेक हाउस बजा रहे हैं तो हाउस में वो ट्राइबल होगा या वोकल होगा या डब बेस होगा या जैसे भी जो कुछ भी सीजन है वो इन लोग अपने आप को डिजाइन करके, फिर ये सारे डीजे जाते थे एंड दे यूज्ड टू प्ले इन देयर ओन इंडिविजुअल क्लब्स। और जो लोग होते थे उनको बहुत बड़ा झटका नहीं लगता था अगर वो एक क्लब से दूसरे क्लब जाते थे, तो ओके, क्योंकि फ्लेवर सिमिलर होता था। और समझ ये गया सर, डिस्कशन ये पहले ही कर लेते थे कि हम ये करने वाले हैं, ऐसा म्यूजिक प्ले करने वाले हमारे क्लब में। तो दिस वॉज अ वेरी गुड थिंग एंड आई यूज टू बी वेरी फॉर्चुनेट दैट मुझे ये मौका मिला और मिलता था उस वक्त कि मैं इन इंडिविजुअल्स के साथ में जाता था इनके क्लब्स पे,
और सीखता था कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं, ये कैसे मिक्स करते हैं, ये कैसे कट करते हैं, ये कौन सा तरीके का म्यूजिक बजा रहे हैं, उनका पूरा जो जर्नी होती है वो एक रात की, वो कैसे होती है, क्या होती है. सो दैट वॉज माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन दैट आई लर्न. एंड देन फिर मैं आया हिंदुस्तान, फिर मैं वापस आया इंडिया, और फिर आने के बाद मैंने अपनी जो जर्नी है वो शुरुआत करी, वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, वो सारी चीजें जो मैंने वहां पर सीखी. तो दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर इन इंडिया, यहाँ पर लोगों ने ये सारी चीजें नहीं सीखी या उन्हें ये मौका नहीं मिला सीखने का. जी सर. तो सर हमारा ना, मैं इस शो के माध्यम से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा निकोलस फर्नांडिस जो मैनेजर थे उनको, कि अगर वो शायद आपको उस दिन मौका नहीं देते तो हमें इंडिया में ये लेजेंड नहीं मिलते डीजे अकबर सानी. क्योंकि मैंने आपका एक दूसरा इंटरव्यू देखा, एक इंटरव्यू देखा जिसमें आपने कहा था कि वो एक अपॉर्चुनिटी थी जिससे मैं डीजे बन गया. मैं था नहीं लेकिन मैं एक्सीडेंटली बन गया. तो सर उनको भी हमारी तरफ से थैंक यू. तो सर थैंक यू, मेरे तरफ से भी उनका तो बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वो धक्का देकर जबरदस्ती करके मुझे बना दिया डीजे. अदरवाइज तो मैं तो कोरियोग्राफी में, आई वाज गोइंग टू बिकम अ फिल्म कोरियोग्राफर. यस सर. तो सर आपने 1984 में मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग डीजिंग स्टार्ट करी थी, 36 इयर्स हो गए आपको. समथिंग लाइक दैट, अभी मेरे को वो साल बराबर से याद नहीं है लेकिन समथिंग लाइक दैट यस. तो सर 1984 में अलग मान लेते हैं, 36 इयर्स है, तो 1984 में जब आपने डीजेइंग स्टार्ट करी थी तो सर उस टाइम इंडिया में डीजेइंग को लेके क्या माहौल था, लोग क्या सोचते थे डीजे के बारे में? सोचते ही नहीं थे राविश. अच्छा, कोई टर्म ही नहीं थी डीजेइंग की? कोई टर्म नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था कि ये क्या चीज है, कोई पैदा ही नहीं हुआ था ना, कोई डीजे थे जो आप आज नाम सुनते हो बड़े बड़े, ये कोई वही नाम वाम नहीं थे, ना कोई था, ना ये इंटरनेट था, या ना ये चीज थी जिसका नाम है सोशल मीडिया, जहां पर आप 2 मिनट में डीजे बन सकते हो. करेक्ट सर, करेक्ट सर. फॉलोअर्स को खरीद लो, लाइक्स को खरीद लो, सब कुछ खरीद के आप बन जाओ डीजे. ये वाली जो चीज है ये आज है और बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दिल दुखता है यस सर, बहुत ये देखकर. और क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है, ये बन गया है अनफॉर्चुनेटली, और लोग बन रहे भी हैं, वो इंस्टाग्राम और क्या नाम है फेसबुक के लाइक्स और वो सारे कुछ देख के, फॉलोअर्स देख के, अरे राविश के तो 5 लाख फॉलोअर्स है, तो वो तो मतलब खयामत है. सर आपने मेरी बजा दी सर. नहीं नहीं नहीं, आपके लिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है. तो सर मतलब उस टाइम पे डीजेइंग के बारे में लोग कुछ भी नहीं जानते थे, उनको मालूम ही नहीं था कि ये भी कोई एक प्रोफेशन हो सकता है. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी को इस चीज का इल्म नहीं था, किसी को इस चीज की खबर नहीं थी कि ये डीजेइंग है और ये क्या है, डीजे वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं होता था. एग्जिस्ट ही नहीं होता था. सर जब आपने डीजेइंग स्टार्ट करी थी तो आपसे पहले भी कोई डीजे थे इंडिया में, अगर आप उनके नाम बता पाए तो? मेरे ख्याल से कुछ 4 या 5 लोग थे सबसे पहले, तो नाम मैं अगर बहुत प्राउडली लूंगा, जहां से मैंने पहली बार एक टर्न टेबल को हाथ लगाया था, तो उनका नाम है चेतन करमारकर. ओके. तो वो आज नहीं है दुनिया में, बट ही वॉज वन ऑफ द आई वुड से पायनियर्स, वन ऑफ द फर्स्ट डीजे जबकि ये चीज एग्जिस्ट नहीं थी, और उनके वजह से देवर अ फ्यू मोर नेम्स जो है जिनका नाम है आपने शायद सुना होगा, बॉम्बे के ही हैं, और फिर हमारे दिल्ली के हैं सनी सरीद. सनी सरीद सर, यस सर. ही वॉज देयर, कलकत्ता में थे एक, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में बताता हूँ आपको. तो ये कुछ 4-5 लोग थे, और जैसे कि मैंने कहा कि किसी को पता नहीं था, इवन दैट टाइम पीपल डिडंट नो व्हाट इट वाज, सो दीस पीपल वर आल्सो देयर नॉट देयर, दे वर नॉट नोन. और ये जो लोग जाते थे क्लब, सिर्फ उनको ही पता था कि ये कौन है, और वो कॉम बहुत छोटी थी, वो जो ग्रुप था जो लोग जाते थे नाइट क्लब्स, वो बहुत ही एक, इट वाज लाइक अ फैमिली. वो सेम चेहरे बॉम्बे में अगर 1-2-3 जगह है तो वो सेम लोग, सेम चेहरे आपको यहाँ पर भी दिखते थे, वहां पर भी दिखते थे, और वहां पर भी दिखते थे. तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था वो टाइम पर जैसे कि अभी है. आज तो पता नहीं क्या हो गया. अच्छा सर, आज सुबह वाला फनी किस्सा मैं आज मेरे सारे व्यूवर्स को बताना चाहूंगा जो आज आप आज हुआ. मुझे 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 पता था कि आप ये बात करोगे ही करोगे. मैं जरूर करूंगा. तो सर आपकी परमिशन हो तो मैं बता सकता हूँ? बता दो बता दो.
तो आज का फनी किस्सा ये हुआ मेरे सारे व्यूवर्स कि आज जब मैं 10 बजे सुबह उठा तो मैंने देखा 6:22 पे, मॉर्निंग 6:22 पे अकबर सर का मेरे पास कॉल आया हुआ है, मिस कॉल। अब सर का कॉल आया हुआ तो मेरे टेंशन हो गई कि यार क्या, क्यों सर ने क्यों फोन कर दिया, कहीं सर ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि आप, मैं आज शाम को बिजी हूँ, अपन पोस्टपोन करते हैं या कैंसिल करते हैं। तो मैंने फिर सर को कॉल बैक करा, मैंने उठते ही सर को कॉल बैक करा, सर ने उठाया नहीं। फिर मैंने एक मैसेज डाल दिया कि सर आपने कॉल किया, वो मैसेज का भी रिप्लाई नहीं आया। तो मेरा पूरा दिन भर टेंशन में निकला है कि आज शो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। फिर सर ने अभी दोपहर में 4 बजे मेरे को मैसेज करके बोला कि ओ सॉरी, वो मैं सुबह उठा था तो मुझे लगा शाम के 6, 6:30 बजे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल करा कि शो मिस नहीं हो जाए। सॉरी तो सर सॉरी टू कॉल यू ये दैट टाइम इन द मॉर्निंग, आई एम सो सॉरी। मैं तो सो रहा था सर, मैं कल रात को लेट सोया था, यूजुअली उठ जाता हूँ मैं छह बजे मेरी आंखें खुली और मैंने टाइम देखा और 6:20 हुए थे, 22, सिक्स ट्वेंटी यस टू सर, 6:22 और मैं देखकर घबरा गया, मैं समझा कि शाम हो गई है और 22 मिनट लेट हो गया हूं मैं। तो ये छोटा सा प्रैंक हुआ आज मेरे साथ सर की तरफ से। अच्छा सर, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, ये आपसे एक राय जाननी है कि सर क्या आपको लगता है कि इंडिया इंडिया में दो पैरेलल डीजेइंग इंडस्ट्री चलती है, एक बॉलीवुड डीजेस की होती है और एक ईडीएम डीजेस की होती है, और इन दोनों टाइप के डीजेस में कभी आपस में इंटरेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कि ईडीएम म्यूजिक फेस्टिवल्स में कभी बॉलीवुड डीजेस को मौका नहीं मिलता, ऑल्दो बॉलीवुड डीजेस भी बहुत अच्छा ईडीएम प्ले कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा ईडीएम डीजेस भी कुछ हैं जो बॉलीवुड बहुत अच्छा प्ले करते हैं लेकिन उनको कभी बॉलीवुड क्लब्स में मौका नहीं मिलता। तो सर इस पे आपके क्या व्यूज हैं और ये चीज कैसे रेक्टिफाई हो सकती है? यार देखो राविश, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है हमारे यहाँ इंडिया में कि ये म्यूजिक को लेकर, बिकॉज वेस्ट में जो जो कॉन्सेप्ट है डीजेइंग का वो ये है कि अगर राविश इज प्लेइंग हिप हॉप, सो राविश इज अ हिप हॉप डीजे या एक्स वाई जी, और यस वो सर हिप हॉप से मेरे मे बी वो R&B तक जा सकता है या सोल तक जा सकता है या स्विंग तक जा सकता है, लेकिन वो हाउस तक नहीं जा सकता, वो हाउस म्यूजिक तक नहीं जा नहीं सकता, जाएगा। वो वहां तक उसकी रीच नहीं है, बिकॉज वो उसका काम नहीं है और उसका थॉट नहीं है, उसका सोल नहीं है इन अंडरस्टूड, टर्म्स ऑफ म्यूजिक, वो यस सर सिर्फ वहीं तक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक दोस्त है जेफ लंदन में, अगेन ही इज अ हिप हॉप एंड R&B डीजे, हिप हॉप एंड R&B विच इज लाइक ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप, यस सर सो वो सिर्फ और सिर्फ R&B और हिप हॉप प्ले करते हैं और वो R&B एंड हिप हॉप के क्लब्स में ही इज अ चैंपियन, नो बडी कैन टच हिम। बट अगर वो हाउस म्यूजिक बजाने शुरू कर दिए, अगर वो देते हैं तो उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, ही विल बी इंसल्टेड, ही विल बी ही वोंट बी एज परफेक्ट एज ही इज इन हिज ओन जॉनर। तो ये बात है, तो इस वजह से मेरे ख्याल से यहां पर भी जो है एक हमारा जो इंडियन डीजे है, वी आर वेरी टैलेंटेड पीपल, टच वुड, यू नो यस इंडियंस सर आर वेरी वेरी टैलेंटेड, तो हम ये करते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूं और मैं वो भी कर सकता हूं और मैं ये भी कर सकता हूं। तो यहां करेक्ट पर मेरे ख्याल से इफ यू आस्क मी कि ये बात ठीक नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज इफ यस यू सर आर फॉर एग्जाम्पल आपने EDM कहा, तो अगर आप EDM डीजे हो तो आप यू बी स्टक विथ EDM, तो आप फिर बॉलीवुड के अंदर आप हिट्स सिर्फ हिट्स बजा सकते हो, समझे आप यस एक सर आधे घंटे के लिए आप सिर्फ हिट्स बजा सकते हो, आधे घंटे के लिए, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, क्योंकि वो यस आप वो सर जो 15, 25, 30 हिट गाने हैं वो सिर्फ आप वहां तक हाँ आपकी रीच होगी, वो आपका जब टाइमर खलास होगा तो उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके बाद मैं क्या करूं, करेक्ट समझे आप यस चार सर घंटे का बॉलीवुड सेट नहीं बजा सकते। यस सर ये जो बॉलीवुड डीजे जो माहिर है इस चीज में, सिर्फ वही कर सकता है ये काम, यस सर समझे। EDM का भी वही है कि अगर एक बॉलीवुड डीजे EDM बनाना बजाना शुरू कर दिया तो उसके पास जो टॉप ऑफ द चार्ट्स के ट्रैक्स होंगे, हाँ मोस्ट 15-20 पॉपुलर जो गाने लोगों को आता है गाना साथ में, यस वो सर उतना ही यस बजा सर सकता है, उसके आगे उसकी पहुंच नहीं है, उसकी रीच नहीं है, तो वो यस जो सर अंडरग्राउंड EDM जो होता है उसके आगे का पार्ट वो उसे नहीं मालूम, तो वो वहां तक करेक्ट पहुंचेगा ही नहीं। तो इस वजह से EDM जो कॉन्सर्ट्स या शोज होते हैं उसमें बॉलीवुड डीजेस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता कि आके उसको बजाने का मौका मिले,
और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। करेक्ट सर, सर एकदम सही कहा आपने। अच्छा सर, एक और चीज़ आपसे जाननी थी कि अभी लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे डीजेज अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइव जा रहे हैं, और म्यूजिक कंपनीज उनको कॉपीराइट क्लेम्स दे रही है, वीडियोस उनके ब्लॉक हो रहे हैं, यहाँ तक कि उनके अकाउंट्स भी ब्लॉक हो रहे हैं। तो इस बारे में सर आपके क्या व्यूज हैं, क्या सही है और क्या गलत है? मैंने अभी अभी एक इंटरव्यू दिया हूँ जूम के लिए, zoom.net के लिए, कि भाई ये जो सारा कुछ हो रहा है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग बाय द पीपल हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉपीराइट। ये जो म्यूट्स हो रहे हैं, ये कम से कम ये इस दौरान, ये जो लॉकडाउन का दौरान है, ये जो COVID-19 का दौरान, जो घर पे लोग बैठे हैं, इनके पास कुछ भी है नहीं एंटरटेनमेंट के लिए, सिर्फ घर पर है, और इस वजह से जो ये जो म्यूट कर रहे हैं लोग और इसको ब्लॉक कर रहे हैं लोग और इनके अकाउंट्स बंद कर रहे हैं, ये बहुत 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 ज्यादती है, बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और मैंने बादशाह के बारे में भी एक, वो पूरा एक आर्टिकल है बादशाह और मेरे को लेकर, अगला अगला क्वेश्चन वही है सर। तो वो ये जो चीज है, ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है। इनको एक विंडो रखनी चाहिए कि आप अगर एक डिस्क जॉकी और परफॉर्मर हो, आप ये एक एक्स अमाउंट ऑफ फीस है, कम से कम एक उनको फीस होनी चाहिए कि ये पैसे आप जमा कर दीजिए एंड यू आर अलाउड टू प्ले व्हाट एवर यू वांट, व्हाट एवर योर जॉनर इज, टेक द मनी एंड अलाउ द पीपल टू डू एंटरटेन द पीपल हु आर सिटिंग एट होम। बट ये गलत है कि आपने सारा उनको ब्लॉक कर देना, उनकी अकाउंट्स ब्लॉक कर देना, म्यूजिक को ब्लॉक कर दे, ये म्यूजिक जो है इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग फॉर योर सोल, फॉर योर बॉडी, फॉर योर माइंड, एंड स्पेशली एट अ टाइम लाइक दिस, इस दौरान जब मैंने कहा कि यू नो लोग लॉकडाउन में है, तो हम जब एंटरटेन कर रहे हैं विदाउट एनी मनी, हम तो नहीं चार्ज कर रहे किसी को, हमको तो पैसे नहीं मिल रहे हैं ना इस चीज के, तो हम एंटरटेन लोगों को कर रहे हैं उनकी उनके सेटिस्फैक्शन के लिए, हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए मे भी हो सकता है कोई करता है, लेकिन उनके सेटिस्फैक्शन के लिए, तो ये करने दें, आप अलाउ करें इस चीज को, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत चीज। ओके सर, सर वही बादशाह वाला जो टॉपिक का भी आप उठा रहे थे, कि इसमें मैं पूछना चाह रहा था, आपने अभी एक इंटरव्यू में बोला था कि बादशाह का जो सॉन्ग है गेंदा फूल रीमेक, उसमें बादशाह को जो ओरिजिनल लिरिसिस्ट हैं रतन कहार, उनको क्रेडिट्स देने चाहिए थे, तो सर मैं चाहूंगा ये चीज आप यहाँ पे भी डिटेल में बताएं। जी बिल्कुल देनी चाहिए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्रेडिट जो होता है, जो ओरिजिनल आर्टिस्ट, आज अगर मैं एक ट्रैक ओरिजिनल बनाता हूं और अगर आप उसको यूज कर रहे हैं आपके लिए, आपका एक मिक्स बनाना है उसका, तो आप मुझे क्रेडिट नहीं देंगे? देंगे सर, देंगे ही देंगे ना, मैं तो बोलता हूँ डबल क्रेडिट देना चाहिए आपको, क्योंकि आपको वो इतना पसंद आया, वो लोगों को इतना पसंद आया कि आप उसको लेकर एक अपना रीमिक्स बना रहे हो, तो उसका क्रेडिट जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है उसको मिलना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट उनको तो उनका फोटोग्राफ भी देना चाहिए ऑन द एल्बम, ऑन द कवर, एंड ही शुड बी गिवन हिज ड्यू क्रेडिट। ये बहुत बहुत ही जरूरी, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल का अगर मैं अभी यहाँ पर आपको जवाब देने बैठ जाऊं तो हमारा एक घंटा यहीं पर निकल जाएगा। ये इतना डीप सब्जेक्ट है, इतना डीप सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, तो यू नो यू शुड बी गिवन द आर्टिस्ट, द ओरिजिनल आर्टिस्ट शुड बी गिवन देयर ड्यूज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब जलवा बनाया था, मुझे खुद को अपने आप का क्रेडिट नहीं मिला था इनिशियली, मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया था, वहां पे लिखा था वेरियस आर्टिस्ट। पहला अगर आप वीडियो देखेंगे जलवा का एमटीवी पे, यस सर, तो वहां पर जब इन लोगों ने रिलीज किया तो वहां पे आया था वेरियस आर्टिस्ट, तो मुझे जाकर म्यूजिक कंपनी से एक जद्दोजहद करनी पड़ी, एक आर्ग्यूमेंट करना पड़ा कि भाई ये वेरियस आर्टिस्ट कौन है, इन वेरियस आर्टिस्ट को मेरे सामने ले आओ, समझे आप? करेक्ट सर, इन वेरियस आर्टिस्ट को मुझसे मिलाओ ना, मैं आपका आर्टिस्ट हूं, मैंने साइन किया है आपका कॉन्ट्रैक्ट, जलवा बनाया मैंने, तो आप ये वेरियस आर्टिस्ट जो आपने लिखा है, इन लोगों को आप मेरे पास प्लीज मुझसे मिलाइए तो सही। करेक्ट, समझे? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, और उसके बाद वो उन लोगों ने अकबर समी का वहां पे नाम ऐड किया वीडियो के नीचे। चलिए सर, ये भी एक इंटरेस्टिंग, द थिंग इज दैट वी आर स्टिल फाइटिंग फॉर आवर राइट्स, वी आर स्टिल फाइटिंग फॉर यू नो हमारे हक के लिए, हम अभी भी झगड़ा और लड़ाइयां और आर्ग्यूमेंट्स और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि अगर किसी ने काम किया, सीधी सी बात है कि उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। करेक्ट सर,
अच्छा सर, अगर मैं ये पूछूं कि सर इस इंडस्ट्री में आपके अच्छे फ्रेंड्स कौन कौन है, तो आप किन क्या नाम लेंगे? यस फ्रेंड्स, सर, इस इंडस्ट्री से। दोस्त दोस्त और दोस्ती से एक शेर याद आ गया, पढूं? दोस्त यस सर, प्लीज सर। सुनो, शायर कहता है कि मैं तो चुप हूं, मैं तो चुप हूं कि अंदर से बहुत खाली हूं मैं तो चुप हूं लेकिन अंदर से बहुत खाली हूं मैं, और कुछ लोग पुर इसरार समझते हैं मुझे, और कुछ लोग सीक्रेसी, पुर इसरार का मतलब है सीक्रेसी, और कुछ लोग पुर इसरार समझते हैं मुझे। मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूं, मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूं, देखने वाले फनकार समझते हैं मुझे। मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूं, देखने वाले फनकार समझते हैं मुझे। वो जो उस पार है उनके लिए इस पार हूं मैं, वो जो उस पार है उनके लिए इस पार हूं मैं, और जो इस पार है उस पार समझते हैं मुझे। बहुत सही, बहुत सही सर, बहुत सही। नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है, नेक लोगों में, नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है, और गुनाहगार गुनाहगार समझते हैं मुझे। जो गुनाहगार है वो गुनाहगार समझते हैं मुझे। यार बेराह की दीवार समझते हैं मुझे, यार मेरे यार बेराह की दीवार समझते हैं मुझे। मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे, मैं समझता था कि मेरे यार समझते हैं मुझे। सर बहुत बहुत डीप मीनिंग है सर इसके शेयर का, तो बहुत ही डीप मीनिंग है सर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूं या आप नाम बताओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले ये वेलकम कर दे केतन भाई और रिजवान, प्रियाश, हाँ सब लोग आए हुए हैं, बहुत लोग हैं सर, बहुत लोग हैं। वैगी भाई भी यहीं पे हैं, बहुत बहुत वैगी सारे भी है हैं। और नाम्स भी है, नाम्स वेलकम, नदीम भी है और परोमा है, नूर भी है, नूर नूर ही नूर, क्या बात है नूर, और नील भी है, निलुफा वेलकम, रोशनी भी है, रोशनी वेलकम ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका, एंड बिग लव टू ऑल योर होम टाउनर्स। डीजे हरमीद भी है, वाह वाह, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज शेख, थैंक यू डार्लिंग। डिस्को सिंह भी है, मैशअप लवर्स भी है, बहुत लोग हैं। एनीवे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या ओके सर, सर ये जो आपका एक ग्रुप है 3 एसेस, इसके पीछे का आइडिया किसका था, ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी स्टोरी अगर आप वेलकम सपना, वेलकम सपना, वेलकम सपना, सो गुड टू सी यू। थ्री एसेस जॉनम, थ्री एसेस ये मेरे दोस्त हैं कैज, शायद आपने सुना होगा उनका नाम, फ्रॉम पूना। हाँ, तो हम एक बार साथ थे सब कुछ, अख्तर भाई और अकील अली एंड माई सेल्फ, वी वर ऑल टुगेदर एंड कैज वॉज ऑल्सो देयर, एंड वी वर जस्ट टॉकिंग जनरली, और उनके पास ये एक आइडिया ऐसी आ गया, उनके मुंह से निकल गया कि यार तुम लोग थ्री एसेस हो, यू ऑल लुक सो गुड टुगेदर, ऑल थ्री ऑफ यू, यू नो सच बिग नेम्स एंड येट सो डाउन टू अर्थ एंड सो हेल्पफुल टू दी हमारे डीजे कम्युनिटी के लिए, आप लोगों को वी शुड गेट टूगेदर एंड डू सम इवेंट। तो हमको भी वो उस टाइम पे वो बत्ती जली कि हाँ यार ये तो इट्स अ गुड आइडिया, वी शुड डू समथिंग, और फिर वो बात रह गई, और फिर कुछ 6-7-8 साल तक हमने वो कॉन्सेप्ट को हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, अनटिल कैज हिमसेल्फ पूना में, उन्होंने किस कोई उनके जो दोस्त है वो सब एक साथ होकर उन्होंने स्पॉन्सर्स लेकर उन्होंने ये ऑफर किया कि लेट्स डू थ्री एसेस फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो पहली बार वहां पर पूना में शो हुआ, जो वन ऑफ द बिगेस्ट शोज इन पूना, इट वाज अ सोल्ड आउट, एंड आज तक लोग वो शो के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि भाई एक बार और करो, बिकॉज बाहर लंबी चौड़ी लाइनें लगी थी और काफी लोगों को मिला नहीं देखने के लिए, सो दे वॉन्ट टू रिपीट इट, और फिर वो वहां से शुरू हुआ, फिर हमने दिल्ली में बहुत सारे इवेंट्स किए, और एक इवेंट में मैं भी आया था, आप ही ने एंट्री कराई थी मेरी, आप ही ने एंट्री कराई थी। आई रिमेम्बर। अच्छा सर, मैं ये पूछूं कि आपके हिसाब से इंडिया के टॉप 5 अंडररेटेड डीजेस कौन है, जिनमें बहुत पोटेंशियल है लेकिन वो अपने पोटेंशियल जितना आगे बढ़ नहीं पाए, तो आप किनका नाम लेंगे? अंडररेटेड बहुत सारे डीजे हैं, मेरे ख्याल से अंडररेटेड है हार्प सिद्धू,
लुधियाना फैबुलस डीजे, फैबुलस आर्टिस्ट, वेरी वेरी टेक्निकली साउंड, जिन्हें नहीं मिला है मौका. फिर डीजे रोहित मक्खन है फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम पठानकोट. उन्हें नहीं, यू नो ही इज अंडररेटेड मेरे ख्याल से. और कौन है, चेन्नई में एक डीजे है, उनका नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, अभी मैं बताऊंगा. तो बट यू नो देयर आर, एवरी सिटी हैज दीस पीपल हु आर अंडररेटेड, हु आर फैबुलस. अभी मैं कुछ एक मेरे ख्याल से 1.5 साल के पहले की बात है कि एक बहुत बड़ा नाम जो सेल्फ मेड अपने आप को डीजे उन्होंने बना लिया है, ही वॉज प्लेइंग इन पूना और एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा मतलब ही मस्ट बी 18-20 इयर्स ओल्ड, हु वॉज प्लेइंग म्यूजिक बिफोर हिम. ओपनिंग करते हैं ना जो, यस सर, ओपनिंग. तो वो प्ले कर रहा था और जो मेन डीजे थे वो आए और उन्होंने परफॉर्म किया, और जब उन्होंने परफॉर्म किया तो लोग जाने लगे, दे स्टार्टेड लीविंग द डांस फ्लोर्स. तो जो ऑर्गेनाइजर्स था, वो ऑर्गेनाइजर जो थे वो आए और उन्होंने उन डीजे को बोला कि थैंक यू वेरी मच, आपका परफॉर्मेंस हो गया है, अब आपके पैसे लो और जाओ. और फिर वो जो जो ओपनर डीजे था उसको फिर से बुलाया, और उससे कहा कि भाई आप कंटिन्यू करो प्ले करना. तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे नाम हैं जो हम नहीं जानते, और इस वजह से मैं ये एक शो कर रहा हूं जिसका नाम है द जैम. द जैम, यस सर, रीमिक्स प्लैनेट. वो इसी वजह से है, वो इन लोगों की वजह से मैं ये शो कर रहा हूं, ताकि इनको वो इंपॉर्टेंस मिले और वो पहचान मिले. यू नो दे विल बी सेंडिंग मी देयर प्रोडक्शन वर्क, देयर रीमिक्सेस व्हिच आई विल बी प्लेइंग, जो मैं बजाऊंगा, जो मैं प्ले करूंगा अपने शो में, और उनको बुलाऊंगा अपने, ऐसे जैसे हम टॉक कर रहे हैं, और उनसे बात करूंगा और उनको वो रिकग्निशन दूंगा जो वो डिजर्व करते हैं. बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं. हाँ, तो इनको वो मिलना बहुत जरूरी है, इनको सामने आना बहुत जरूरी है, बिकॉज लाइक आई सेड बिफोर, जो ये फेसबुक लाइक्स और ये जो फॉलोअर्स खरीदना वाला जो काम है, वो करते करते काफी गलत लोग हमारी इंडस्ट्री में आ गए हैं, काफी गलत लोग जो इस इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए, जिनको म्यूजिक से कुछ लेना देना नहीं है, वो डीजेज बन के बैठ गए हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, बॉलीवुड के मिक्सेस बना बना के किसी और से, और उसको प्ले कर करके, और अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझ के. तो दिस इज ऑल बुलशिट, एंड आई एम गोना मेक श्योर दैट दीस पीपल इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स आर गोना बी वाइप्ड आउट. अच्छा सर, मैं कुछ डीजेस के नाम लूंगा, आपको उनके बारे में अपनी ओपिनियन बतानी है. ओके, डीजे माना, लव यू टू. सर पहला पहला नाम है डीजे क्लेमेंट डिसूजा. डीजे परोमा, वेलकम. हाँ, डीजे क्लेमेंट डिसूजा. यस सर, मतलब इन मैं कुछ नाम ले रहा हूँ उनको, आपको उनके बारे में अपनी ओपिनियन बतानी है. तो फर्स्ट नेम है डीजे क्लेमेंट डिसूजा. ही इज वन ऑफ माय फाउंड, एंड व्हाई ही इज वन ऑफ माय फाउंड इज बिकॉज़ आई सॉ द टैलेंट in him. He's a fantastic artist, very underrated. उन्होंने नाम भी बनाया है, क्लेमेंट ऐसा नहीं है कि उनका नाम नहीं है, नाम बनाया है, लेकिन जहां तक वो पहुंचने चाहिए वहां तक वो अभी तक पहुंचे नहीं है. That's a very sad part about it. Very very good artist and a very good friend. He's a brother. Okay. So next name है DJ Chiku. DJ Chiku, another very good artist, another fabulous, my favorite. He's one of my favorite. I mean, if I had a way, I would just go and, you know, if he was playing, agar wo kahin pe perform karte hote, so I would love to go and sit down and just listen to him. Okay. Sir, next name, DJ Harsh Bhutani. The legendary Harsh Bhutani, to unka kya main kya bolu? Usko hum sab jante hain. Acha sir, DJ NYK. Fantastic. He's got his own niche. जो उन्होंने अपने लिए एक बनाया है, एक यू नो अपना ही साउंड जो उन्होंने क्रिएट किया इलेक्ट्रॉनिक को लेकर, एंड ही इज डन अ वंडरफुल जॉब विद द इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स, विद द फ्लेवर्स ऑफ बॉलीवुड. यू नो ही रिमाइंड्स मी ऑफ आर्टिस्ट कॉल्ड हर्बी हैनकॉक, द गाय हु हैड मेड अ ट्रैक कॉल्ड रॉकेट, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स in a very very massive way, and that's what NYK is doing, and I think he's fabulous, he's fantastic in his own world, in his own way, in his own circle. Okay
सर वैसे आज अभी मैंने नाम लिया था डीजे हर्ष भुटानी, उनका बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे हर्ष भुटानी, आई लव यू एंड आई ट्राइड टू कॉल हिम। मैंने उनको फोन किया था, उनका फोन बिजी आ रहा था तो मेरी बात नहीं हुई, बट आपके शो में मैं उनको विश करता हूँ। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे हर्ष, लोज ऑफ लव टू यू एंड ग्रेट हेल्थ एंड यू नो मे यू क्लाइम द हाइएस्ट पार्ट एंड वेरी सक्सेसफुल, यू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इन वॉट एवर यू डू। अच्छा सर, नेक्स्ट नेम है, ये लड़का है डीजे रवीश। सर मेरी उम्र को डीजे खुद की रविश ओपिनियन जाने दी सिटिंग आपको। विद अकबर सामी एंड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, मैं उनके बारे में उनके मुंह पे क्या तारीफ करूं यार। नहीं सर, सर तारीफ नहीं, बस ऐसी ओपिनियन चाहिए थी सर, आप जैसे लेजेंड्स की ओपिनियन मिल जाए तो सर अरे आप मजा आ खुद भी जाए। में एक लेजेंड हो अपने अपने नहीं सर, नहीं हिंदुस्तान के, सर, अपने सिटी के। यू आर अ सुपरस्टार इन जयपुर एंड यू नो वेयर एवर यू प्ले एंड यू आर अ वेरी फाइन आर्टिस्ट। आई मीन मैं क्या आपको क्या कहूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर आपके मुंह से मतलब अपनी ओपिनियन जाननी थी इसलिए मैंने नाम लिया, वैसे मैं मेरी किसी से जान, पूछता नहीं मुझे हूँ। मुझे ये बहुत बहुत कॉल्स आते हैं, लेट मी जस्ट टेल यू, आई लॉट ऑफ पीपल आर कॉलिंग मी टू डू दिस वन टू वन इंटरव्यू, यस सर, जिनके साथ मैं नहीं, आई एम अवॉइडिंग देम, आई डोंट गो ऑन देयर लाइव्स एंड यू नो देयर इंटरव्यूज एंड ऑल ऑफ दैट, मेनली बिकॉज दे वांट टू अपग्रेड देमसेल्व्स ऑब्वियसली, यस सर, उनको यस सर, अपने आप को। लेकिन आई इमीडिएटली सेड यस टू यू बिकॉज यू आर यस यू सर, एंड यू आर अ फैबुलस आर्टिस्ट, और आप यस सर भी बोल रहे हो। सर मैं, क्योंकि सर आपने फैक्ट बोला, मैंने आपको एक एक ही मैसेज डाला और आपने उसी मैसेज में आपने फटाक से हाँ बोल दिया। मैंने आई और भी लव यू बहुत सारे राज, आई लव यू, बहुत सारे आई बहुत लव सारे यू। डीजेस हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया मेरे को आज तक। बहुत सारे डीजेस हैं जिन्होंने मना कर दिया या मैसेज रीड करके अभी तक रिप्लाई नहीं दिया, बट सर वो आप इसीलिए शायद सर। शायद शायद वो आपकी कैपेबिलिटीज को नहीं समझते हैं। मैं समझता हूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मूव ऑन करेंगे। अगर आप इस डीजेइंग इंडस्ट्री में कोई एक चीज चेंज करना चाहो या कोई लोगों की ऐसी हैबिट हो जो चेंज करना चाहते हो या इम्प्रूव करना चाहते हो, तो वो क्या होगा? वो होगा ड्रग्स और अल्कोहल। सर बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन ये एक चीज है जो बहुत ज्यादा मैं देखता हूं मेरे इवेंट्स में और मेरे शोज में, राइट और ये एक चीज है जो मैं चाहूंगा कि ये, बिकॉज मोस्ट ऑफ अ डीजेज आर वेरी यंग, यस इनकी शुरुआत भी लोगों की अभी तक नहीं हुई है और वो इतनी बुरी तरह इसमें जूट रहे हैं, इसमें यू नो दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन, आई मीन ठीक है यार तुम शराब पीते हो, ठीक है, इट्स ओके, यू नो यू हैव इट, यू नो हैव फन, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट व्हेन यू एनीथिंग जो एक्सेस में होती है, व्हेन यू ओवर सर, डू इट, जब आप यस बहुत सर, ज्यादा करने लगते हो, वहां पर आपका जो डाउनफॉल होता है वो शुरू हो जाता है, तो आप राइज करने से पहले ही आप गिर जाते हो। करेक्ट सर, और आप एक डीजे हो, आप एक एग्जाम्पल हो लोगों के लिए जो आपको देखने आते हैं, जो आपको चाहते हैं, जो आपके फैंस हैं, दे लव यू, दे वॉन्ट टू कम एंड सी यू परफॉर्म, दे वॉन्ट टू सी देयर आर्टिस्ट, देयर स्टार अप देयर प्लेइंग म्यूजिक एंड गिविंग देम वॉट दे वॉन्ट, दे डोंट वॉन्ट टू सी यू ड्रंक, करेक्ट सर, दे डोंट वॉन्ट टू सी यू ड्रग्ड आउट, दे डोंट वॉन्ट टू सी यू हाई, यू नो नॉट बीन एबल टू स्पीक और फॉलिंग डाउन एंड नशे में घूम रहा है आदमी और उसको पता नहीं क्या बज रहा है, क्या हो रहा है, और लोग आ रहे हैं और पकड़ है, बहुत ही शेमफुल है, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत शेमफुल है। आपको अगर ऐसा करना ही है तो आप कहीं और अपना परफॉर्मेंस कर लो, अपना प्ले कर लो आपके क्लब में, और फिर आप कहीं जाकर बैठो और पी के आप मर जाओ। लेकिन आप ये बेवकूफी और ये जहालियत जो है लोगों के सामने यू नो अपने आप का एक मजाक बना के रखा है, और इस वजह से हमारे नाम खराब होते हैं, हम सबके नाम खराब होते हैं। यस सर, एक वो पूरा एक इंडस्ट्री के लिए एक स्टीरियोटाइप हो जाता है कि अच्छा डीजे है तो ड्रग्स एंड अल्कोहल तो गारंटी करेगा, वो ये एक करेगा स्टीरियोटाइप ही बन जाता करेगा, है। और हाँ उसके साथ में वो ड्रग्स भी शुरू हो गए हैं, इतना ज्यादा ड्रग्स हो गया है कि मतलब इट्स बिकम अ वेरी कॉमन थिंग, लोग कंसोल में खड़े रह के ड्रग्स ले रहे हैं, यू नो यस सर, दे आर नॉट इवन रिस्पेक्टिंग, दे आर नॉट इवन रिस्पेक्टिंग दैट आर्ट, दे आर द वर्क, दे आर प्रोफेशन, नॉट यस सर, रिस्पेक्टिंग म्यूजिक, दे आर प्रोफेशन, यस सर, करेक्ट जहां से उनको आमदनी मिलती है, जहां से उनको उनकी रोजी रोटी है, वो वहां करेक्ट पर सर, आप ये ड्रग्स और ये अल्कोहल, ये वुमनाइजिंग और ये अजीब अजीब सी चीजें आप नहीं कर सकते। तो ये मैं, अगर आपका सवाल जो था कि मैं अगर कुछ चेंज करना चाहूंगा, तो मैं ये चेंज करना चाहूंगा कि इस चीज को हमारी इंडस्ट्री से थोड़ा सा जितना हो हाँ सके उतना दूर रख दूं।
इसीलिए सर आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी सेट करते हैं, मैंने नोटिस किया है, आई एम श्योर बाकी सबने नोटिस किया है कि आप कंसोल पे चाय पीते हो, आप चाय के शौकीन हो, आप कंसोल पे चाय पीते हो, और आप ही को फॉलो करके मैंने भी ग्रीन टी पीना चालू कर दिया प्ले करते हुए। मैं भी अलग से ग्रीन टी या तो क्लब में बोलता हूँ या खुद अपने बैग में पैकेट लेके जाता हूँ ग्रीन टी का, गर्म पानी मंगाता नहीं, हूँ ग्रीन कोई टी डुबो कोई के। जरूरी नहीं है कि आप चाय पियो, मतलब मेरी तो आदत है, मैं बचपन से चाय वाला हूँ, तो मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, एंड इट इट फ्रेशेंस अप माय माइंड, इट गिव्स मी अ हाई, यू नो, मेक्स मी फील गुड, रिफ्रेश हो जाता है दिमाग, बिकॉज इतना थकान होती है फ्लाइट्स के बाद और ट्रैवल के बाद और होटल होटल के चेक इन्स और करेक्ट एयरपोर्ट सर, ड्रॉप पिकअप, यू नो, ऑल ऑफ दैट, तो उसके बाद तो एक चाय जो एक चीज है जो मुझे थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश कर रिफ्रेश, देती है, तो और नींद नहीं होती, नींद हमारी करेक्ट होती सर, नहीं है, यू नो हाउ इट इज, हम सोते नहीं करेक्ट है, सर, बहुत कम सोते हैं, करेक्ट तो सर। चाय इज द ओनली आंसर। ओके सर, सर आपका फेवरेट इंडियन और इंटरनेशनल डीजे? अरे यार, बहुत सारे हैं, यू नो, देर आर टू मेनी, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। ओके ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करूं? हाँ, ओके सर, क्योंकि क्या इसमें ना, रावेश, अगर मैं एक दो नाम लूंगा तो जो दूसरे मेरे दोस्त है उनको खराब लगेगा कि तो सर यार वो इंटरनेशनल नाम में बता लिया, ये दीजिए, नहीं तो लिया, यार वो नाम लिया, मेरा नहीं लिया, यू नो, ऑल दैट विल हैपन। सर इंटरनेशनल तो में बता दीजिए। डेनी टनाग्लिया है, कार्ल कॉक्स है, ओके क्रिस लेक, क्रिस लेक इज अ वेरी गुड, फैंटास्टिक, इज वन ऑफ माई फेवरेट ओके प्रोड्यूसर्स, आई हैव सीन हिम लाइव, क्रिस लेक को मैंने प्रोड्यूस करते हुए खुद देखा है ओके म्यूजिक, तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। अच्छा सर, आपके रिकॉर्ड कलेक्शन और स्किल्स के बारे में हमने बहुत सुना है, तो सर हम मेरे जैसे जो यंग जनरेशन के डीजेज हैं उनको कब मौका मिल सकता है आपको रिकॉर्ड्स पे प्ले करते हुए देखने का? यार मेरे पास जो टर्नटेबल्स अब जो होते थे वो आजकल मिलते नहीं है क्लब्स में, यू you नो know? पहले टर्नटेबल्स होते थे, आजकल सीडी प्लेयर्स है, यस सर, तो वो जो था, बट आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दैट क्वेश्चन, थैंक और यू सर, मैं आई विल, राविश, आई प्रॉमिस यू, विद इन ये, जब ये सब कुछ ठीक हो जाए, थोड़ा सा गाड़ी हमारी आ जाए पटरी पर, तो यस सर, आई विल मेक श्योर दैट आई विल बी प्लेइंग हाउस म्यूजिक, एज मेरा एक दूसरा जो नाम है हाउस का वो है ग्रूव स्टॉम्प, तो एज ग्रूव स्टॉम्प आई विल बी प्लेइंग हाउस म्यूजिक ऑन टर्न टेबल्स वेरी वेरी सून व्हेन थिंग सेटल डाउन, और वो उसका वीडियो हम सबको देखने को मिलेगा। डेफिनेटली, मोस्ट ऑफ कोर्स आई विल बी गोइंग यस सर, लाइव, तो सर हम उसका वेट करेंगे। थैंक यू। अच्छा सर, अब हम जानना चाहते हैं सर आपके और हिमेश रेशमिया सर के एसोसिएशन के बारे में। उस टाइम पे आपने, दोनों ने मिलके बैक टू बैक मैसिव हिट्स दिए थे, आशिक बनाया आपने, आहिस्ता आहिस्ता, झलक दिखला जा, याद सताए तेरी, ए मेरी जोरा जबी, और अभी रिसेंट में तेरी मेरी कहानी, सबके सब हाँ मैसिव हिट्स। तो सर इस हाँ एसोसिएशन के बारे में कुछ बताइए। ये जो हम, हमारी जो एक कड़ी है बहुत लकी है, यू नो, एक होता है ना कनेक्शन, यस सर, किसी किसी का नहीं होता, जमता नहीं है बात, किसी किसी की जम जाती है, लक भी साथ दे देता है, यू करेक्ट, नो, और कुछ बड़ों की दुआएं भी होती है जो काम आती है, माँ बाप की दुआएं भी होती है वो भी काम आती है साथ में, तो यस सर, ये जो हमारा एसोसिएशन है वॉज अ हिट एसोसिएशन राइट फ्रॉम डे वन। हमारा आशिक बनाया पहला ट्रैक नहीं था, हमारा पहला ट्रैक था जस्ट चिल, जस्ट चल, करेक्ट सर, दैट वाज द फर्स्ट ट्रैक व्हिच वाज गिवन टू मी बाय सलमान खान एंड हिमेश जो थे वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, हिमेश डिडंट म्यूजिक नो डायरेक्टर, मी, मैं हिमेश को जानता था ना हिमेश मुझे जानते थे, बट सलमान एंड मी हैव बीन फ्रेंड्स फ्रॉम द टाइम व्हेन सलमान खान वाज नॉट सलमान खान, करेक्ट, और मैंने सोहेल भाई की पिक्चर के लिए गाना किया था, मैंने मैंने दिल तुझको दिया, उनकी एक फिल्म थी, उस फिल्म के लिए डब्बू मलिक जो थे वो उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो वो गाना किया था जो सोहेल को बहुत ही पसंद आया था, बहुत ज्यादा पसंद आया था, तो वो सलमान को भी बहुत ऑब्वियसली पसंद आया था, तो सलमान ने कहा कि जस्ट चिल अकबर को ही देना चाहिए, गिव इट टू अकबर टू रीमिक्स इट, तो हिमेश ने मुझे दिया। अब मैं जब उसका प्रोडक्शन मेरे स्टूडियो में कर रहा था तो रात के कुछ दो, सुबह के 2 बजे थे, यू नो, आई यूज टू वर्क मॉर्निंग नून एंड नाइट, तो 2 बजे हिमेश आए स्टूडियो पे जो रफ ट्रैक था वो सुनने के लिए, तो मैंने जब वो ट्रैक प्ले किया तो हिमेश स्टार्टेड जंपिंग इन द स्टूडियो, ही स्टार्टेड डांसिंग, उनको इतना इतना अच्छा लगा, बोले अकबर भाई क्या काम किया है आपने, तो सर वो बहुत पावरफुल रिमिक्स भी हाँ है सर, वो जस्ट चिल का जो रिमिक्स है आपका, हाँ बहुत ही पावरफुल रिमिक्स है सर।
तो वो उसके बिल्कुल बाद में जो ट्रैक था वो था एक चाहे तो दो थोड़ी सी यार, उसके बाद का जो रिमिक्स था वो था आशिक बनाया आपने जो फिल्म बन रही थी, तो इमीडिएटली हिमेश ऑफर्ड मी दैट सॉन्ग और मैंने उस पे काम किया एंड इट बिकेम अ सेंसेशन। वो इतना बड़ा हिट था कि उस रिमिक्स के वजह से फिल्म को ओपनिंग मिली, बहुत बड़ी चीज है ये। फिल्म को ओपनिंग मिलना एक रिमिक्स ट्रैक की वजह से बहुत बड़ी, यू नो इट्स अ वेरी बिग थिंग। और फिर उसके लगते हुए ही वी डिड जरा झूम झूम, जरा झूम झलक दिखला जा, और सुरूर, 36 तेरा सुरूर। मतलब उस टाइम तो सर ऐसा था कि हिमेश रेशमिया के जितने भी ट्रैक है उनके रिमिक्सेस भाई अकबर सामी हुआ करते थे। इसी से रिलेटेड मेरा दूसरा क्वेश्चन भी है कि वैसे तो सर ये सारे रिमिक्सेस ही बहुत मैसिव हिट थे, लेकिन एक झलक दिखला जा जिस लेवल पे हिट हुआ था तो सर वो उस टाइम तो वो इतना ज्यादा हिट हुआ था कि आपने भी शायद ये न्यूज सुनी होगी, न्यूज में बहुत आया था कि झलक दिखला जा सॉन्ग प्ले करने से भूत आ जाते हैं। तो सर आपने भी ये रूमर सुने थे क्या कि मतलब आपका बनाया हुआ रिमिक्स इतना पसंद आ गया कि इंसानों को तो पसंद आया भूतों को भी पसंद आ गया, वो भी आ जाते रिमिक्स में? मैंने सुना था और मैंने देखा भी था तो और आई डिडंट, इट वाज जस्ट अ लाफ, यू नो कि भूत आ गए सर। ये एक्चुअली आत्माएं जाग गई एक्चुअली अभी थोड़े टाइम पहले यूपी में कहीं पे वो फसलों के ऊपर टिड्डियां आ जाती ना, टिड्डियों को भगाने के लिए भी उन्होंने खेतों में वो पूरा साउंड सिस्टम लगाया और झलक दिखला जा ट्रैक चलाया, उससे टिड्डियों को भगाया। ये नया है, ये मैंने नहीं सुना, ये नई चीज है। ये सर ये यूज होता है सर, बहुत गांवों में ट्रैक यूज होता है अभी भी सर। वो इतना पावरफुल रिमिक्स है, इतना बड़ा हिट है कि वो ट्रैक चला के भूतों को भी भगाया जाता है और टिड्डियों को भी भगाया जाता है। अच्छा सर आपका सनी वेलकम, सनी वेलकम, डीजे सुमायरा वेलकम टू द शो, नदीम वेलकम टू द शो, सपना थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, सकीना, डीजे वागी, आशमैक, विकी, पंकज, कामिया, वाओ वाओ, आई एम सरप्राइज सो मेनी पीपल आर हियर। यस सर, डीजे हरमीत वेलकम टू द शो। सर आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या आ रहा है अगर आप बता सकें, जो अभी तक आपने डिस्क्लोज नहीं कराओ अगर आप? यार मैंने नेक्स्ट अभी यहाँ पर मैंने ये यू नो कोविड-19 के दौरान मैंने कुछ 5 या 6 रिमिक्सेस बनाए हैं घर में बैठे बैठे, और कुछ ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है जो मैं तैयार कर रहा था पहले से ही इसके पहले, तो वो मुझे रिलीज करने थे लेकिन रिलीज नहीं हुए और ये शुरू हो गया, लॉकडाउन शुरू हो गया तो स्टूडियो सारे बंद हो गए, काम सारा बंद हो गया, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट टू ओपन। और जो ये जब भी खुलेगा ये लॉकडाउन और जब हम काम करना शुरू करेंगे तो आई हैव अबाउट मे बी 10 or 15 सच ब्यूटिफुल मेलोडीज दैट आई हैव क्रिएटेड एंड सच फैंटास्टिक रिमिक्सेस जो मैंने अभी अभी कुछ उनमें से कुछ रिमिक्सेस बजाए भी थे मेरे लाइव में और वो लोगों को बहुत पसंद आए हैं और मेरा जो मैसेंजर था वो भर गया था और लोग पूछ रहे थे कि यार ये हमको प्लीज आप दे दो, हमें जो बस दे दो बजाने के लिए। तो मैंने कहा उसकी उसकी मास्टरिंग नहीं हुई है, मिक्सिंग बराबर से नहीं हुई है, जब ये हो जाएगा फिर मैं आपको दे दूंगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर यू नो इन लाइन राइट नाउ। अच्छा सर आप हर साल 2 बार यूएस टूर मारते हो तो सर वहां प्ले करने का एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। यूएसए यूएसए टूर, अमेरिका का टूर? हाँ। अब हर साल 2 यूएसए टूर करते हो तो सर उसके वहां प्ले करने का मतलब यूएस में प्ले करने के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। मैं 2 टूर नहीं करता राविश, मैं 1 करता हूँ, 1 होता है मेरा रोल टूर, पहले उसका नाम था रंग दे बसंती और अब उसका नाम है रोल टूर। तो वो क्या होता है कि उसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है ना, जब मैं वापस आ जाता हूँ इंडिया तो लोग जो वहां पर जो सुनते हैं और उसका जो पावर होता है लोगों के और उसका जो एक धमाल होती है, तो उसके वजह से लोग कहते हैं कि यार इसको वापस बुलाओ, कॉल हिम बैक टू अमेरिका। तो 2 हो जाते हैं घूम फिर के, तो वो 2 हो जाता है। तो फिर मैं एक बार और जाता हूँ और फिर वो 2-3 सिटीज करके फिर से वापस आ जाता हूँ। तो दिस इज बीन गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट आई थिंक 18 ईयर्स के मैं यूएस जा रहा हूँ और ये शोज कर रहा हूँ। यस, तो यार यू नो इट्स वो क्या बोलते हैं, अपने मेरे को अपने मुंह से अपनी तारीफ है लेकिन वो अवार्ड मिला है मुझे वहां पे यूएस में बाय द मेयर ऑफ सैन फ्रांसिस्को for the most popular and most visited artist in the USA for performing as a disc jockey from so many years in so many cities. 15 city ka tour karna koi joke nahi hai. Yes sir, puri industry ke liye sir ye to bahut garv ki bahut bahut proud cheez hai sir ki aisa award aapko mila hai.
मेरे ख्याल से काफी लोगों को यहाँ पर पता भी नहीं होगा कि ये भी बहुत एक बहुत बड़ी बात है. डूइंग 15 सिटीज टूर इज नॉट अ जोक. बड़े बड़े आर्टिस्ट को ऐसा मौका नहीं मिलता है, और उनमें से कुछ शोज होते हैं जो ओपन एयर होते हैं. ओपन एयर शोज के अंदर इट्स लाइक अ कॉन्सर्ट, और वहां पे यू नो 10,000 और 15,000 जो है लोग होते हैं उसमें. देर आर व्हाइट अमेरिकन्स, देर आर ब्लैक अमेरिकन्स, इट्स नॉट जस्ट इंडियंस, हर हिस्पैनिक्स, हर कौम के लोग आते हैं म्यूजिक सुनने के लिए. और वो देसी म्यूजिक होता है, वो हमारा म्यूजिक होता है, वो इंडियन म्यूजिक होता है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो के उन ब्लैक अमेरिकन्स और व्हाइट अमेरिकन्स को वो भाषा आती है हमारी, और वो हिंदी में जो मैं गाने बजाता हूँ, जब मैं म्यूजिक कहीं पर बंद करता हूँ तो वो गाने गाते हैं जोर जोर से. तो उनको गाना भी पता है, उनको वो बोल भी पता है, और उनको बहुत 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 प्यार है हमारी म्यूजिक से. और इस वजह से मैं हर मेरे इंटरव्यू में हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स से ये विनती करता हूँ, हमारे फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर से ये विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, कि ये जो हमारा जो म्यूजिक है, हमारा जो संगीत है, इसको वेस्टर्नाइज इतना नहीं करें. कीप अप आवर सोल, अपना हमारा जो देसी, जो हमारा इंडियन म्यूजिक है, हमारे सितार, हमारे तबले, हमारा संतूर, हमारी शहनाइयां, हमारे हारमोनियम्स, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, हमारा ढोल, हमारे ढोलक, ये सारे चीजों को आप यूटिलाइज करें, बिकॉज ये ही हिंदुस्तानी म्यूजिक है. इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक हमारा सोल नहीं है, ना वो बन सकता है. करेक्ट. और ये रीमेक के जो रीमेक बनते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं, ये डीजेस का काम है, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स का काम नहीं है. म्यूजिक डायरेक्टर्स को म्यूजिक डायरेक्शन करनी चाहिए, डीजेस को डीजेइंग करनी चाहिए, सैक्सोफोन प्लेयर को सैक्सोफोन बजाना चाहिए. करेक्ट. तो हम अगर हमारा इंडिविजुअली काम करें तो बेहतर रहेगा हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन. वैसे तो मेरे को पता है, एक बार मैं आपसे पर्सनली आप मेरे ये चीज मैं आपसे पूछ चुका हूँ, आप मेरे को बता चुका हूँ, बट मैं आज सारे यूवर्स के लिए भी वापस पूछना चाहूंगा कि आप जब भी किसी फॉरेन कंट्री से आते हैं तो आप सबके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, फिर वो आपके लिए, आपके चाहे वॉचमैन हो, चाहे आपके ड्राइवर हो, चाहे आपके धोबी हो, आप सबके लिए कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं सर, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? ये तुमको किसने बताया? सर मेरे को पहले मैंने कहीं से सुनी थी ये खबर, फिर बॉम्बे में जब आप एक बार मेरे घर पे आए थे, जब हमने साथ में डिनर किया था, तब मैंने आपसे वापस पूछी थी ये सवाल कि सर ये बात मैंने सुनी है, ये सच है क्या? तब आपने मेरे को तो बताई थी, पर मैं चाहता हूँ कि आज आप सारे व्यूवर्स के लिए भी बताओ. यार देखो, एक एक बहुत ही छोटी सी बड़ी बात है, छोटी सी बहुत बड़ी बात है, स्मॉल बिग टॉक. वो ये छोटी सी ये बात है कि मेरे ड्राइवर जो है वो, मैं उनको ड्राइवर नहीं बोलता, मेरे वॉचमैन है, वो उनको वॉचमैन के जरा ट्रीट नहीं करता. बिल्डिंग के जो लोग हैं वो हमारे रखवाले, हमारे दोस्त है, हमारे भाई है. और इनफैक्ट काफी मरतबा ऐसा हुआ है कि हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं मेरे घर में, या अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ रेस्टोरेंट पे और अगर मेरे ड्राइवर मेरे साथ में, तो वो उनको यादव जी, मैं ड्राइवर का उनको टर्म नहीं देता, उनका नाम लेके बुलाता हूँ, और वो मेरे साथ मेरे टेबल पे बैठ के मेरे साथ खाना खाते हैं. तो इंसान इंसान होता है, वो नौकरी करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने नौकर को नौकर की तरह ट्रीट करें, अपने ड्राइवर को तू तू मैं या उनको इल ट्रीट करें, या वो कोई भी हो, कोई भी हो, हर इंसान इंसान है, और उसको हमें इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए, नौकर की तरह नहीं. करेक्ट सर. तो ये छोटी सी बड़ी बात है. वो हमें भी, हमारे यार दोस्त जो है, और इस वजह से मैं जब भी जाता हूँ तो उन्होंने लोग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तोहफे लेते हैं हमारे, या सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ ले जाते हैं. बट मेरे ख्याल से हमारे जो ये लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे बिल्डिंग के लोग, हमारे सिक्योरिटी, हमारे जो घर पे काम करने वाले कामवाली बाई जो होती है, यू नो, जो हम लोग ये बोलते हैं उनको, लेकिन यहाँ पर भी उनको वो टर्म नहीं दिया जाता मेरे घर में, वो हमारी फैमिली है. तो हमें उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, उनके बच्चों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. और इस वजह से मैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, हमारे वॉचमैन के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे ड्राइवर्स के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ तोहफे लेके आता हूँ. और वो जो खुशी मुझे मिलती है वो किसी किसी और चीज में नहीं मिलती. करेक्ट सर. बिकॉज उनका चेहरा इतना खिल जाता है, इतना खिल जाता है, और इतनी दुआएं मिलती है, इतनी दुआएं मिलती है जिसको भी हद नहीं. सर हमारा चेहरा कब खिलाओगे सर, हमें कब मिलेगा गिफ्ट आपकी तरफ से? मैं जब भी तुमको मिलूंगा, जब तुमको एक झप्पी दूंगा प्यार वाली. अरे सर वो मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा सर. अच्छा सर,
डीजेइंग करते हुए आपका अभी तक कोई फनी इंसिडेंट हुआ हो किसी इवेंट के अंदर? बहुत सारे हुए यार, क्या क्या बताऊं तुमको। कोई, सर कुछ अगर अगर आप शेयर करना चाहो तो। अरे वो फनी क्या, अजीब अजीब से। एक बार एक आदमी आया ड्रंक, बोलता है मुझे 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 कह रहा है कि अकबर समी कहाँ है, तो मैं आजू बाजू देखने लगा तो मैं बोला कि वो शायद बैक रूम में होंगे, अभी आते होंगे। तो वो चला गया, फिर आया, फिर बोला अकबर समी कहाँ है। मैं बोला सर अकबर समी मैं हूं, कौन होगा, मेरा शो है, मैं ही हूंगा, जाहिर सी बात है। तो उसने उठा के मुझे गाड़ी की चाबी दे दी उसकी, कोई मेरे ख्याल से कुछ होंडा कुछ गाड़ी थी मुझे याद है, तो चाबी दे दी। तो मैं बोला ये मैं क्या करूं सर, बोलता है ये मेरे तरफ से गिफ्ट है अकबर समी को, आई लव हिम। हाँ, और तो इट वॉज वेरी फनी बिकॉज ही वॉज आस्किंग मी माई नेम एंड फाइनली ही गेव मी कीज एंड ही सेज दैट यू नो दिस इज अ गिफ्ट फॉर अकबर समी, आई लव हिम एंड ब्ला 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 ब्ला। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं बोला ये आदमी टाइट होगा, पिया हुआ था, हाँ तो ऐसे वो नशे में ऐसे ऐसी बात कर रहा है। तो मैं चाबी लेके मैंने रख ली बिकॉज जबरदस्ती कर रहा था। हाँ तो जब वो इवेंट खत्म हुआ तो आई हैड माई आईज ऑन हिम, आई डिडंट वांट हिम टू लीव। तो मैं भाग के गया उसके पास और मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच, ये लीजिए आपकी चाबी, थैंक यू फॉर कमिंग फॉर माई शो, आई रियली अप्रिशिएट। तो उसने कहने लगा, जब तक उसकी थोड़ी सी मतलब वो ठीक ठाक हो गया था, तो बोलता है मैं मस्ती मैं मजाक नहीं कर रहा, ये गाड़ी आपके लिए, आप ले जाओ। तो बड़ा शौक लगा यार, बाद में मैं जाके बाहर देखा तो एक्चुअली वो थी वो गाड़ी। तो उसके कुछ यार दोस्त थे जो मेरे दोस्त थे, तो मैंने गाड़ी लेके चले गया घर पे। नेक्स्ट डे आई कॉल्ड दोस फ्रेंड्स ऑफ हिज एंड आई कॉल्ड देम होम, गेव हिम द कीज एंड गेव हिम द कार, आई सेड प्लीज टेक इट एंड गिव इट बैक टू हिम। तो दिस वाज वन वेरी वियर्ड इंसिडेंस। सर बिगेस्ट क्राउड दैट यू हैव प्लेड फॉर? रिसेंटली आई प्लेड इन यूपी समवेयर, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द सिटी, विच वॉज द एक्सपेक्टेशन जो था उनके क्राउड का वो था 4-5 हज़ार लोग, और उन्होंने उतनी ही टिकट प्रिंट की थी। वो लोगों ने शाम के 5 बजे जो उनको कॉल्स आने लगे, वो लोग दीवाने हो गए, लोग पागल हो गए, और उनको कुछ 20 हज़ार टिकटें प्रिंट करना पड़ी। और जो क्राउड आया वो था 17,600, 17,600, 22,000 कुछ हेड काउंट था। वो 5-6 हज़ार का क्राउड 17,000, 2,200 समथिंग समथिंग कैसे हुआ और क्यों हुआ, और वो मेरे ख्याल से इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राउड्स एवर। ये अभी अभी ये लॉकडाउन के पहले की बात है, 1-2 हफ्ते पहले की। एक दो हफ्ते पहले की। जल में नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना ना चलिए सर, आपकी सिंगिंग में सुनने को मिल गई इसी बहाने। सर वो बीच में सेशन एंड एंड हो जाता है, इसलिए मैंने खुद नहीं पहले ही एंड कर दिया ताकि वो बीच में अच्छा एब्रप्टली किया एब्रप्टली बंद नहीं हो, क्योंकि मेरे कुछ सवाल बाकी थे। अच्छा हाँ। सर, आपका खुद का बनाया हुआ कोई रिमिक्स जो आपके हर सेट में होता है जो आपको बहुत पसंद हो? खुद का बनाया हुआ रीमेक जो मेरे हर सेट में होता है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत सारे हैं, और उसमें से एक है दुआ, जो भेजी थी दुआ, वो जो भेजी थी दुआ। मैं मेक श्योर करता हूं कि आई प्ले दैट सॉन्ग, आई लव दैट दो लिरिक्स ऑल्सो एंड द वे द रिमिक्स एक गलती से बहुत अच्छा बन गया, तो मुझे बहुत पसंद है वो, तो आई सर आई प्ले दैट। आपने वो अपलोड नहीं करा सर रिमिक्स हम लोगों के लिए? मैंने किया है किया है किया है, वो भी ओके किया है, और सर। फिर अभी वो जलवा के हर साल के एक एक मिक्स बनते रहते हैं, और अभी 2020 का भी एक नया मिक्स बना है जलवा का, वो भी मैं शायद अभी कुछ दिनों में उसको रिलीज करने वाला हूं। ओके सर। सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डीजे वैगी की तरफ से है आपके जी लिए। वो ये कह जी रहे हैं कि सर आपकी जवानी का राज क्या है? सबकी एज बढ़ती है, आपकी एज कम होती जा रही है, नेगेटिव में जा रही है। नेगेटिव, वो तो पॉजिटिव हो गया ना तो सर जैसे बढ़ रही लोगों की बढ़ती है, आपकी कम होती जा रही है ना, आपकी नेगेटिव में एज बढ़ रही है, तो सर वो उसका राज क्या है? उसका राज है अच्छा रहन-सहन, अच्छा खाना, और यू नो वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना। तो कसरत और खाना जो है उसका अगर आप ठीक तरीके से ख्याल रखेंगे तो मेरे ख्याल से आप सबकी जो उम्र है वो 10-15 साल कम हो जाएगी।
सर इसी एक्सरसाइज से मेरे को याद है सर, आपकी खुद बहुत की एक जिम टेंशन की नहीं लेना चेन। कभी भी लाइफ में, बहुत सारी मुसीबतें आती है हमारे तरफ, बहुत सारा टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, तो ये सारी जो चीजें हैं लोग इसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं राविश, करेक्ट बहुत सीरियसली ले लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया, आऊ इसको। तो ये जो है एक इन चीजों को बहुत सीरियसली ले लेना अपने दिमाग पर बोझ बनाकर, ये एक सबसे अहम मुद्दा है आपको डिस्ट्रॉय करने का, करेक्ट आपके सर, यूथ को डिस्ट्रॉय, आपके जवानी को डिस्ट्रॉय करने का, आपके दिमाग और आपके बदन को डिस्ट्रॉय करने का। तो इस वजह से लोग भी काफी डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये एक जो है, ये बुराइयां जो है वो हमारी एक साथी है, गिरना उठोगे लाजिम बात है, आप अगर गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे, कैसे? करेक्ट सर, तो गिरना भी बहुत जरूरी है, और गिरने से आपको एक्सपीरियंस आता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, और वो सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस है, तो आपको शुक्र मानना चाहिए ऊपर वाले का कि उसने आपको गिराया, बिकॉज वो गिराया है आपको आपको उठने के लिए, और जब आप उठोगे बहुत अच्छा उठोगे और बहुत कामयाब उठोगे। सर इसी पे ही एक अभी मैं देख रहा था कमेंट्स पे एक क्वेश्चन आया था कि सर क्या आप अपना डाइट डाइट प्लान और अपने फिटनेस रूटीन शेयर कर सकते हैं हम लोगों के साथ? यार बहुत सिंपल सी चीज है, यू शुड वॉच व्हाट यू ईट। अगर आप तेल वाला और बहुत ही फैटी फूड्स अगर खा रहे हो, तो मेरे को पता है कि आप उसको रोक नहीं सकते, तो आप मत करेक्ट रोकिए, लेकिन आप उसको कट डाउन जरूर कर सकते हो। तो हफ्ते में अगर आप एक बार वो वैसा वाला खाना खाएं, और बाकी के दिन जो है थोड़ा ग्रीन्स, थोड़े ग्रेन्स और साफ सुथरा खाना, जो लो फैट खाना हो, वो डाइट आपको आजकल गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो अगर आप डाइट थोड़ी सी फॉलो कर लें और वर्कआउट करें कम से कम 45 मिनट्स इन अ डे, 6 डेज अ वीक, एक एक दिन आप अपने आप को ब्रेक दे दें, 6 दिन जो है हफ्ते के अगर आप अच्छे से वर्कआउट करें, आपके पसीने निकले, तो आप एक बहुत ही अच्छी और हेल्दी जिंदगी गुजर कर सकते हो। ओके सर, सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये श्री जॉय भट्टाचार्य का है, ही लिव्स इन कोलकाता। तो अच्छा उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर आपके सामने आपने टेक्नोलॉजी को चेंज होते हुए देखा है, जब जी, आप डीजे थे उस टाइम पे रिकॉर्ड्स हुए, फिर कैसेट्स आई, फिर सीडीज आई, पेन ड्राइव आई, और अभी डिजिटल डीजे वाया लैपटॉप का जमाना है। तो सर करेक्ट। इस टेक्नोलॉजी के चेंज के बारे में आप बताइए, और आपने अपने आप को कैसे हमेशा उस चीज के साथ अपडेटेड रखा, कैसे आप हमेशा उस चीज के साथ कांस्टेंट चलते रहे? भाई देखो, ये मेरा बिजनेस है, मेरा प्रोफेशन है, और मेरा ये फर्ज है और कि टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। तो मैंने जब शुरू किया था तो वो था कैसेट्स का टाइम, फिर यस आया सर। टर्न टेबल्स। तो मैंने, आई एम वेरी फॉर्चुनेट राविश, मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ कि मैंने ये सारा चेंज देखा है। काफी देखा है लोगों को करेक्ट पता ही नहीं कि कैसेट क्या होता है, उनको अगर मैं यस कैसेट सर। बताऊं तो ब्लैंक हो जाएंगे, बोले ये क्या चीज है, हाँ ये कुछ नया आया है क्या। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, और वो चेंज अपने आप को करना टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज टूडेज डे एंड एज, टू अपग्रेड योर सेल्फ एंड टू कीप विद द वर्ल्ड। सो ऑब्वियसली इट्स अ फैंटास्टिक स्विचेस दैट आई हैव सीन एंड आई हैव डन, एंड आई हैव स्टिल नॉट गॉन बियॉन्ड इन अ वेरी हाई एंड मैनरिज्म वेयर टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, बिकॉज इफ आई गो देयर माई ओरिजिनलिटी ऑफ डीजेइंग जो होती है वो मर जाती है, करेक्ट फिर मैं घर बैठे मेरे मोबाइल से म्यूजिक बजा सकता हूँ किसी भी क्लब में, करेक्ट यार अपने लैपटॉप से या अपने माउस से, जो माउस होता है, हाँ तो दैट दैट आई डोंट वांट टू गेट देयर। सो यू हैव टू बी रियल, सो यू हैव टू कट डाउन टेक्नोलॉजी एट सम पॉइंट, एट सम पॉइंट यू गॉट टू कट डाउन एंड कीप इट अवे एंड बी पॉजिटिव ऑन योर स्किल्स ऑफ डीजेइंग, जो आपका स्किल है, जो आपका आर्ट फॉर्म है डीजेइंग का, वो आपको जहन में रखना है, वो आपको बतानी है, कि अगर आप वहां से अगर हट गए तो फिर डीजेइंग में कुछ रहा ही नहीं है, करेक्ट करेक्ट सर। सर बस ये बात। इसी पे एक कमेंट आया है वीजे राहुल का कि उनके पास आज भी आपकी जलवा की कैसेट है। उन्होंने अभी अभी कमेंट किया है कि उनके पास आज भी आपकी जलवा वाली कैसेट है। क्या बात है, थैंक सर यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन डीजे हर्ष पुटानी का है, जिनका आज बर्थडे भी है। उन्होंने आपके लिए क्वेश्चन भेजा है कि सर अच्छा आपने एक और अभी गाना जो आपने मेरे को, सॉरी आपने पूछा था यस कि जो सर मैं
हमेशा बजाता हूँ। अभी किसी ने लिया, सपना ने लिखा है और वो है किस्मत, इज वन ऑफ माई फेवरेट टॉक्स। थैंक यू सपना, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। सर हर्ष भुटानी जी का क्वेश्चन है कि आपने अभी चाय पे चुगली के लिए एक वीडियो बाइट भेजा था, उसमें आप फुल ऑन टपोरी टपोरी स्टाइल में, टपोरी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, तो वो ये कह रहे हैं कि इसका आइडिया आपको कहाँ से है, आपको फर्स्ट टाइम इतनी फुल फ्लेज्ड टपोरी भाषा में बोलते हुए देखा और लोगों ने बहुत पसंद किया है, पूरे वीडियो में आपकी जो टपोरी लैंग्वेज है लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो उसका आइडिया, उसके बारे में कुछ बताइए सर। आई स्वेयर रावेश, मुझे नहीं पता कि कहां से आ गया वो। मैं ऐसा लेटा था बेड पे और मेरे को वीडियो बनाना था, तो वो मैं आई वॉज गोइंग टू गेट अप एंड यू नो चेंज एंड लुक अ लिटिल ओके एंड यू नो देन मेक अ वीडियो सेइंग के थैंक यू फॉर दिस एंड इट्स अ वेरी गुड शो ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो जैसे कि लोग लोगों ने करते कहा। हैं। बट वो सडनली एक मेरे पता नहीं क्या हुआ दिमाग में, मैंने वीडियो ऑन किया एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग लाइक दैट एंड दैट इज वन ऑफ माई एक्ट बिकॉज आई एम एन एक्टर, I'm an यस सर, actor too. You know, I've करेक्ट सर, done acting as a child artist यस सर, till I was in my teens. So I've done a lot of films also. यस सर, And तो वो एक character आ गया दिमाग में और मैंने जो बोलना शुरू किया तो वो वन टेक में मैंने पूरा वो करके उसको बंद करके उसको भेज भी दिया और सर वो बहुत बहुत अच्छा भी लगा सर, वो बहुत बहुत ये एंजॉय किया हम ऐसी सबने एकदम सर। अब्रप्ट चीज होती है ना, कभी कभी वो अच्छी हाँ लगने लगती, यस अगर वो सर, प्लान करो तो वो इतना अच्छा नहीं होता। सर बहुत स्पॉन्टेनियस और बहुत अच्छा हुआ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन डीजे चीकू का है, हाँ वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि सर आप कोरियोग्राफर रह चुके हो, आप हाँ एक्टर हो, आप डीजे हो, आप म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, आप म्यूजिक हाँ डायरेक्टर हो, आप रैपर हाँ हो, हाँ तो और आप सिंगिंग भी करते हो, हाँ तो अब आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए कब खड़े होने वाले हो? नहीं, वो सब जारी पॉलिटिशियन नहीं हूं मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, टच वुड नहीं हूं, ऊपर वाले का शुक्र है कि नहीं हूं और ना कभी होऊंगा, और मुझे कोई शौक नहीं है प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर बनने का। सर एक और आ गया, आप फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, आप साथ में हाँ फिटनेस एक्सपर्ट भी है, तो अब नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट अभी देखा हो, अभी आगे आगे क्या होता है, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन इट डजेंट स्टॉप जहां तक ऊपर वाले ने अकल दी है और दिमाग दिया है यूटिलाइज करने के लिए, और जो अगर जो भी मैं अपनी लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने फैंस के लिए कर सकूं वो मैं करूंगा, व्हाई नॉट। करेक्ट सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक आपके अगर इंस्टाग्राम, कोई अगर आपके अगर अगर अंदर कोई गुण हो, अगर यस कोई सर, आर्ट हो, तो वो जरूरी है कि वो आप उसको एक्सप्रेस करें और बताएं और लोगों के हाँ साथ जी शेयर करें। सर, ये चीकू भाई ने वापस कमेंट करा है कि बट भाई वी वांट यू एज प्राइम मिनिस्टर। क्या क्या हो जाएगा मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो अच्छा सर, ये क्वेश्चन इंस्टाग्राम अकाउंट यूजर है स्टिल बिल्डिंग राणा नाम से, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि हर फील्ड के अंदर, हर प्रोफेशन के अंदर एक एसोसिएशन होता है, डॉक्टर्स का एसोसिएशन हो चाहे इंजीनियर्स का हो, सबका एक एसोसिएशन होता है, तो डीजेइंग में आज तक ऐसा एक एसोसिएशन क्यों नहीं बन पाया? यार बहुत कोशिश की ये काम करने के लिए, और मैंने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा मेरे जो एसोसिएट्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, इन लोगों से भी मैंने बात की कि हमको ये एसोसिएशन एक बनानी चाहिए, और क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि हर इंडस्ट्री में एक एसोसिएशन है, लेकिन करेक्ट सर, अनफॉर्चुनेटली मुझे वो उनका साथ नहीं मिला और वो एडवांटेज उनका जो सपोर्ट होता है वो नहीं मिला, तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सका। लेकिन आई प्रॉमिस यू रावेश, दिस इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज ये होना आज बहुत जरूरी है, इट्स बहुत वेरी जरूरी वेरी है सर। इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव एन एसोसिएशन, बिकॉज जैसे कि तुमको मालूम है कि म्यूजिक इंडस्ट्री और कॉपीराइट्स और वगैरह 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 वगैरह, इट्स अ नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ यस थिंग्स सर, के अंदर हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज यू नो आती है हमारे वे में, और डीजे जो है जो काम करते हैं, जो नौकरियां करते हैं क्लब्स में, उनको सैलरी नहीं मिलती, उनको उनकी पे नहीं मिलती, उनको पगार नहीं मिलती है, उनको इल ट्रीट किया जाता है, उनको खाना नहीं मिलता उनके जगहों पर, और बेइज्जतियां गालियां खाने को मिलती है, यस तो सर, ये सारी चीजें पेमेंट्स बहुत अटक सारी जाते ऐसे हैं। बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मसले लोगों के, मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं यू नो लोगों के जो यस सर, नहीं जानता हूं मैं, जिनको उनके भी मैसेजेस आते हैं कि अकबर भाई हमारी हेल्प कीजिए,
हमें हमारा जो बॉस है उसने आज थप्पड़ मार दिया रात को काम के बाद कि मेरे से कुछ गलती हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं। टू रिजॉल्व ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स वी नीड टू हैव यूनिटी एंड वी नीड टू हैव एसोसिएशन एंड देयर हैज टू बी अ हेड ऑफ द एसोसिएशन टेकिंग केयर ऑफ दीज मैटर्स और इनको रिजॉल्व करें इन गरीबों के लिए, इन लोगों के लिए जिनकी कोई आवाज नहीं, उनके लिए एक आवाज होना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा टाइम निकल जाए उसके बाद ये एसोसिएशन बननी ही बननी है 100%। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। यस सर, सर ये बहुत जरूरी है सर, क्योंकि जैसा आपने बताया बहुत जगह एक्सप्लॉइट होते हैं डीजेस, कई जगह उनका पेमेंट रुक जाता है, कई जगह इल ट्रीट होते हैं और फिर वो उसको ना तो लीगली डिफेंड कर पाते हैं ना अपने राइट्स के लिए लड़ पाते हैं। रमेश आपकी आवाज आवाज जरा थोड़ी सी लाउड कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि सर ये एसोसिएशन होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत जगह एक्सप्लॉइट होते हैं डीजेस, बहुत इल ट्रीट होते हैं और क्योंकि हर बंदे को लीगल टर्म्स और वो सारी चीज नहीं पता होती है तो उनको पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं, तो इसलिए ये एसोसिएशन होना बहुत जरूरी है सर। तो विल वेट की फ्रेंड है, उनका भी आज बर्थडे है, नाम्स आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, लॉट्स ऑफ लव सर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन डीजे सनी हरनी पुणे पुणे से, उनका क्वेश्चन है कि वो फेवरेट, माय फेवरेट आर्टिस्ट सनी हरनी, आई लव देम, सनी हरनी आई लव यू सर। उनका क्वेश्चन है कि वो आपका जलवा वाला रैप लाइव सुनना चाहते हैं। अरे यार वो मैंने पक गया यार, वो क्या है यार और सर वो आइकॉनिक रैप है सर। I said, hip, hop, hop, you don't stop, rock it out, way the bubble to the boogie, bang, bang, the boogie, do the boogie, the beat. And now what you hear is not a chance on the rappers to the beat. Hey, me, the groove, I'm friend, gonna try to move your feet. You see, I am the one, the mic, and I like to say hello. See the black to the white, the red and the brown and the purple and yellow. We gotta on and on and on and on and on. Hobby the pop, the pop, the pop, the baby, the pop, the pop, pop to you. Don't stop, come alive, oh. Give me what you got. Come on. Thank you so much, sir. ये हमें live experience करने का मौका मिल गया सर आज आपकी वजह से। Thank sir, you. ये जलवा का जो वीडियो था, आजकल जो ट्रेंड है कि जो डीजे कोई ट्रैक बनाता है वो खुद उसमें फीचर भी होता है, आपने इतना अच्छा रैप किया और आप उस वीडियो में फीचर नहीं हुए थे सर, इसके पीछे कोई रीजन था? मैंने तुमको कहा ना कि मेरा नाम भी नहीं था वहां पे, वेरियस आर्टिस्ट था। यस सर। तो जो म्यूजिक कंपनी थी वो टाइम पे उनका ये एक क्या कहते हैं उसको, एक कोई लोग होते हैं यार, इविल लोग होते हैं, क्या मैं कहूं तुमसे। वो चाहते थे कि मैं ये ट्रैक रिलीज हो जाए अकबर समी को बिल्कुल हटाकर, उनका नामो निशान नहीं रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे मुझे एक जद्दोजहद, मुझे एक फाइट करनी पड़ी इन लोगों से, क्योंकि ये मेरा ट्रैक है। यस सर। तो और ये हमारी कंट्री का एक बहुत ही बदनसीब काम है जो लोग करते हैं, जो गंदे लोग हैं ये इंडस्ट्री के अंदर, हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में, जो आर्टिस्ट को उसका ड्यू नहीं देते, जो चाहते हैं कि उसका ड्यू छीन लो, चोरी कर लो। यस सर। समझे, जैसे कि आज भी हो रहा है, जो आर्टिस्ट आज भी हो रहा का ट्रैक लेके उसको उसका वो नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता। तो ये जब भी था, जब मैंने शुरू किया था 1996-95, तो ये चाह रहे थे कि मेरा वहां से हट जाए। तो जो डायरेक्टर था वो वीडियो का, जलवा का, जिनका नाम था संजय एफ गुप्ता, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि अकबर, दिस इज योर ट्रैक, दिस इज योर वॉइस, दिस इज योर प्रोजेक्ट, यू हैव टू बी इन द वीडियो। सो आई सेड बॉस, आई एम टॉकिंग टू द म्यूजिक कंपनी, और मैं जबरदस्ती तो किसी के साथ में नहीं कर सकता। और वो टाइम पे मैं था भी थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा, अभी भी हूं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आउटस्पोकन हो गया हूं, दुनिया की चेंज देखकर तो अपने आप को भी चेंज करना पड़ता है। लेकिन उस वक्त मैं इससे भी ज्यादा वो था, सॉफ्ट हार्टेड एंड वेरी क्वाइट, वेरी वेरी क्वाइट, ज्यादा बात नहीं करता था। तो उस चीज का लोग एडवांटेज उठाते थे, और वो उन लोगों ने पता, उनको पता था कि अकबर कुछ बोलेगा नहीं, बेवकूफ इंसान है, बेवकूफ नहीं हूं मैं पोलाइट हूं, मैं सॉफ्ट हार्टेड हूं, बेवकूफ नहीं हूं। तो उन लोगों ने उस वक्त उस चीज का फायदा उठाकर मेरा नामो निशान वहां से हटा दिया, ना मुझे वीडियो में उन लोगों ने कास्ट किया, ना मुझे उन लोगों ने क्रेडिट दी मेरे गाने की। बट ऊपर वाले का कर्म है और मेरी माँ की दुआएं थी कि मुझे मिला, जितना भी जो भी मिला, थोड़ा बहुत मिला, लेकिन मिला जरूर। सर मैंने भी कल ये चीज नोटिस करी, क्योंकि कल मैं जब
इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैं यूट्यूब पे जाके मैंने सर्च करा कि डीजे अकबर सामी के कौन कौन से रिमिक्सेस हैं पुराने। तो जैसे आपका झलक दिखलाजा वाला रिमिक्स है तो उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है झलक दिखलाजा रिमिक्स, और नीचे क्रेडिट्स में भी किस डीजे ने रिमिक्स करा है वहां वो मेंशन नहीं है। हम लोगों को तो पता है क्योंकि हम लोग तो डे वन से फॉलो करते आ रहे हैं आपको, इंडस्ट्री में हो। लेकिन लेकिन बहुत सारे गानों में, कुछ गानों में है मेंशन्ड है कि रिमिक्स बाय डीजे अकबर सामी, लेकिन सब में नहीं है। तो मैंने भी ये चीज नोट करी है, और फिर वही सेम चीज हाँ अलग अलग म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पे होती है, वही हाँ चीज राजेश, गाना मैंने पे कम से जाती कम है। 500-600 ट्रैक्स को रिमिक्स किया है फॉर द इंडस्ट्री, ओरिजिनल ओरिजिनल रिमिक्स यस सर। फॉर द फिल्म, अबाउट मे बी 600-700, पता नहीं कितने की है, लेकिन उसका उन गानों का कोई नामो, मेरा क्रेडिट का कोई नामो निशान नहीं है, और वो यस नहीं सर। मिलता मुझे। और फिर वो एक है कि मेरा भी ये एटीट्यूड रहा है कि ठीक है, नहीं देना मत दो, जाओ अपना, ठीक है, यू नो इट्स लाइक दैट, सो यू कांट हेल्प इट, दिस इज द वे द इंडस्ट्री वर्क्स। यही चीज अगर वेस्ट में होती ना, टुडे आप, यू एंड मी वुड बी समथिंग लाइक अ पॉल वैन डाइक। करेक्ट सर। यही चीज अगर वेस्ट में होती तो आप कहीं और होते, मैं कहीं और होता, यस सर। लेकिन ये बदनसीबी है हमारी और ये लोगों की जो आज ये म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर हेड्स बन के बैठे हुए हैं, ये लोग ने हमें और हमारे काम को, डीजेइंग को ऊपर आने नहीं दिया। यस सर। और इसमें कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स भी हैं जो ये करते हैं कि हमें वो इम्पोर्टेंस नहीं मिले। क्यों? क्योंकि हम इन चीजों को सारी दुनिया में बहुत बड़ा प्रमोशन करते हैं। हम डीजेस, करेक्ट। रेडियो से ज्यादा पावरफुल है डीजेस, यस एफएम सर। से ज्यादा पावरफुल है डीजेस, बिकॉज हम सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करके हमारे हमारे रिमिक्सेस जो है, बॉलीवुड के गाने हैं, उनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, नए नए गाने इन न्यू यस सर। फॉर्म्स, वी सिट एंड वी क्रिएट न्यू फॉर्म्स, न्यू जॉनर्स ऑफ दोस सॉन्ग्स। बहुत करेक्ट। बड़ी चीज है ये, हम सोचते नहीं है ये, इस चीज के बारे में आप सोचो यस सर। कि हम क्या करते हैं, व्हाट डज डीजेस डू, हम चार चांद लगा देते हैं वो गानों के एक ऊपर। ट्रैक यस सर पॉपुलर भी करते हैं उसको प्ले करके, लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराते हैं नए म्यूजिक से। हाँ यस, एंड वी इंट्रोड्यूस दीज सॉन्ग्स टू वर्ल्ड ओवर, ऑल ओवर द वर्ल्ड। करेक्ट सर। लोग मांगते हैं हमसे वो रिमिक्सेस, क्यों मांगते हैं? दे आर प्लेड टुडे, दे आर प्लेड इन ऑन द एफएम्स आल्सो, यू नो। करेक्ट सर। करेक्ट। आप हिमेश को ले लीजिए, आप, हम लोग हिमेश की बात कर रहे थे, हिमेश के कोई भी जो वीडियोस है आप देखिए, सारे वीडियोस रिमिक्सेस पे हैं। यस सर। क्यों है? क्यों सोचो, क्यों है? वो सर रिमिक्सेस से पॉपुलर हुए हैं वो गाने। हाँ, तो इस चीज को म्यूजिक डायरेक्टर्स ने और काफी लोग जो म्यूजिकल हेड्स हैं, इन लोगों ने खींच खींच के इसको दबा दिया है। यस सर। अब ये कब तक दबेगा? ठीक है, तुम 1 साल 2 साल 4 साल दबा के रखो, लेकिन ये कभी ना कभी तो उभरना है, और वो उभरेगा, होगा जरूर, हम होंगे कामयाब एक दिन, करेक्ट सर। सर मैं एक मन सेकंड के में है लिए अभी। एक्सक्यूज एक्सक्यूज चाहूंगा, मेरे को गेट खोलना पड़ेगा मेरी कैट के लिए। एक सेकंड के लिए सर मैं वापस आया। सॉरी सर, हाँ, मेरे को एक सेकंड के लिए मेरी कैट के लिए गेट खोलना पड़ा, उसको बाहर जाना अच्छा था, अच्छा वो बीच नो में प्रॉब्लम, डिस्टर्ब नो कर प्रॉब्लम। रहा है। तो सर इससे इसके साथ मेरे क्वेश्चन सारे फिनिश हो गए हैं। अब मैं देखना चाहूंगा जो कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन है आपके लिए। श्योर, अभी बीच में डीजे चीकू भाई ने भी कमेंट करा है कि दिस इज द रीजन वाई अ डीजे एसोसिएशन इज नीडेड, जो अभी आप बात कह रहे थे ना कि रिमिक्सेस के क्रेडिट्स नहीं मिलते और इन सब चीजों के लिए, करेक्ट इसलिए करेक्ट, डेफिनेटली डेफिनेटली। बहुत बहुत जरूरी है डीजे एसोसिएशन होना। मैं देख लेता हूँ सर और कौन से क्वेश्चन हैं। केतन दोसा ने सर कमेंट किया है कि अकबर भाई इट्स देयर लॉस, दे टुक अ ग्रेट आर्टिस्ट फॉर ग्रांटेड एंड टुडे यू आर बिगर देन देम। थैंक यू केतन। एमी पावर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। और क्वेश्चन देख लेता हूँ। अगर किसी के क्वेश्चंस ऊपर चले गए हो या मिस हो गए हो तो प्लीज एक बार वापस कमेंट कर दो।
क्योंकि वो ऊपर चले जाते हैं और वो मिस हो जाएंगे। तो जिसको भी अकबर सर से कुछ पूछना हो प्लीज। डीजे हैरी इंडिया द देहरादून परफॉर्मेंस वाज माइंड ब्लोइंग यार. यू नो आई यू वर देयर फॉर दैट शो एंड आई लव दैट सिटी देहरादून एंड द शो द टर्न आउट देयर लाइक आई थिंक अबाउट 6-7,000 पीपल हु हैड कम फॉर दैट शो. इट वाज माइंड ब्लोइंग यार. थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी एंड बने रहो. थैंक यू. ओके सर, ये डिस्कसिंग डीजे मनी का क्वेश्चन है कि सर, ये जो आपका टूर है यूएस वाला रोर टूर, इसी सिमिलर नाम से दिलजीत दोसांझ का भी टूर होता है रोर, तो सर ये एक्चुअल में किसने पहले स्टार्ट किया था? ये आप सोचो कि किसने पहले शुरू किया था. मैं क्यों बोलूं? सर मतलब हमें तो पता है सर, पर ये फिर सिमिलर नाम के साथ वो नहीं होगा, मतलब अब वो कंफ्यूजन उठा हो लिया जाता है? किसी ने नाम. मेरे कॉन्सेप्ट जो और मेरे आइडियाज होते हैं वो अक्सर लोग लिफ्ट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, मुसलसल होते रहता है. ये आप भी शायद देखते होंगे यस सर, सोशल यस मीडिया सर, पे भी. अब मैंने ये जो किया है, ये जैम द रिमिक्स प्लैनेट, ये मैंने अनाउंस किया और एक हफ्ते के बाद किसी और ने उठा लिया उसे. तो अच्छा, वो आइडिया भी कॉपी हो चुका। ये मेरे मेरे जो आइडियाज है ये अभी से नहीं है, ये पहले से ही. अभी रीमिक्स बनाया था तो रीमिक्स सब लोगों ने बनाने लग गए. जब मैंने डीजे शुरू करी थी सारे डीजेस बनने शुरू हो गए. तो ये सिलसिला बहुत पुराना है, ये अभी का नहीं है. तो अभी भी ये जो मैंने किया, अभी आपने जो कहा तो ये लिफ्टअप्स जो है, ये रोल टोर जो है, ये भी उन लोगों ने नाम भी नहीं छोड़ा. टोर तो ठीक है सभी करते हैं, लेकिन नाम तो कम से कम आप एक सोच लो, अपना दिमाग जी सर, कभी तो यूज करो यार. करेक्ट सर। नाम भी नहीं छोड़ते. सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन डीजे नोटोरियस का है, वो पूछ रहे हैं कि अकबर भाई, व्हेन आर यू डूइंग अ लीड रोल इन अ मूवी? एज सून एज नटोरियस प्रोडक्शन प्रेजेंट्स अकबर समी, इंट्रोड्यूसिंग अकबर समी. नटोरियस तू एक जब फिल्म बनाओगे तो आप प्लीज मुझे साइन करना है. आई वुड लव टू फीचर इन योर फिल्म एज अ मेन लीड एंड आई सर ये वुड लव सपना टू डू का, एक्शन फिल्म सो फुल ऑन डिशुम डिशुम. सर ये सपना का क्वेश्चन है आपके लिए कि अकबर द मॉडल और अकबर द डिजाइनर, व्हाट वुड यू लाइक? सॉरी, अकबर द मॉडल और अकबर द डिजाइनर, व्हाट वुड यू लाइक? अकबर द डिजाइनर. अकबर द डिजाइनर, वैसे भी सर आपके बहुत स्टाइलिश होते हैं सर कपड़े, और सब सब कुछ अच्छा लगता है सर आपके ऊपर, क्योंकि आप इतने फिट थैंक हैं यू, और आपकी फिटनेस इतनी अच्छी है कि सब कुछ ही अच्छा लगता है सर आपके ऊपर। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू. सर ये एक क्वेश्चन और आया था, मैं नाम नहीं देख पाया, बट सर ये था कि जब आपने डीजिंग स्टार्ट करी थी तो आपकी इंस्पिरेशन कौन था? आप तो इंडिया के सारे डीजेस की इंस्पिरेशन हो, बट आपने स्टार्ट करी तो आपकी इंस्पिरेशन कौन था? मेरा इंस्पिरेशन था सुकू सुदर्शन, मेरा इंस्पिरेशन था चेतन करमारकर, मेरा इंस्पिरेशन था सतीश अमान. ये तीन लोग थे एंड सनी सरीद ऑल्सो. दीज आर द थ्री फोर पीपल हु हैड वेरी हैवी इम्पैक्ट इन माई हेड व्हेन इट केम टू डीजेइंग एंड आई स्टिल रिस्पेक्ट देम, सल्यूट देम फॉर व्हाट दे आर एंड व्हाट दे वर, बिकॉज चेतन आज नहीं है दुनिया में, बट सल्यूट्स टू हिम एंड फ्यू मोर. ओके सर, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन डीजे एनिक्टो का है, पुणे रहते हैं ये डीजे एनिक्टो। इन्होंने इनका एक क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जब आप लोगों ने डीजे स्टार्ट करी थी उस टाइम पे बहुत कम डीजेस थे, इसलिए आप लोगों को प्लेटफॉर्म मिल गया, अब कॉम्पिटिशन ज्यादा है, अब मुश्किल हो गया है डीजे बनना क्योंकि बहुत सारा कॉम्पिटिशन हो गया, इस बारे में आपके क्या व्यूज हैं? मेरे ख्याल से आई थिंक द ऑपोजिट. मेरे ख्याल से अभी तो इजी हो गया डीजे बनना. वो टाइम पे डिफिकल्ट था मेरे भाई, आप को शायद पता नहीं है. उस वक्त डिफिकल्ट था. डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं करेक्ट, थी, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था. लोगों को पता ही नहीं था डीजेइंग क्या होती है, ना करेक्ट सर। क्लब्स थे ना लाउंजेस थे, कुछ भी नहीं था. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम. टूडे वी हैव 1 मिलियन नाइट क्लब्स, 1 मिलियन बार्स, क्लब्स, लाउंजेस, एवरीथिंग यस एंड सर, एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी एंड इज द बटन कॉल्ड सिंक. यस सर, तो यस सर, सिंक तो है, सारा कुछ सिंक हो रहा है. करेक्ट सर, तो फिर आपको सीखना क्या है? फिर आपको परेशानी किस चीज की है?
आप सिंह दबाओ, म्यूजिक बजाओ। करना सर, सर सिर्फ ये यह है, मेहनत मेहनत सिर्फ एक चीज में लगती है, सर अपने नाम के आगे डीजे लगाना। तो आई होप अनिकटो का उनको जवाब मिल गया होगा। सर ये डीजे राज रॉय आपसे पूछ रहे हैं कि अकबर भाई आपके वेल मेंटेन हेयर का क्या सीक्रेट है बालों का? मैंने जिंदगी में पहली बार कुछ किया है इसको। मेरे जो कर्ल्स थे ना, कर्ल्स, मेरे बाल यस सर, कर्ली है, तो यस सर, मैंने वो कैरेटीन ट्रीटमेंट, एक मेरा दोस्त है सलून है उसका साउथ बॉम्बे में, और वो मेरे दोस्त है दानिश मिठानी, तो उनने कहा कि थोड़ा सा कुछ चेंज करके कैरेटीन ट्रीटमेंट करके देख। उन्होंने किया था तो उन्होंने कहा देखो ऐसे होते वैसे होते, तो मैंने भी जाके वहां पे करवा लिया, तो काफी लंबे हो गए और कर्ल्स जो थे वो खुल गए, खुल तो वो गए खुलने के सर, बाद वो सारा कुछ ऐसा हो गया देखो। थैंक सर बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, बाल बहुत अच्छे लगे। यू। तो एक चेंज किया है फॉर अ फ्यू मंथ्स, और लॉकडाउन शुरू हो गया तो वो फिर वो और लंबे होने लगे, तो करेक्ट सर, अभी जब ये सब हो जाएगा ठीक ठाक तो जाके मैं सारे कटवा दूंगा और फिर से वो कर्ली वर्ली हो जाएंगे मेरे बाल जैसे थे ओरिजिनली। जैसे ओरिजिनल थे सर। ये डीजे नहीं, डीजे नहीं है सर, धीरज का क्वेश्चन है सर, आप कौन से म्यूजिक डायरेक्टर को फॉलो करते हो? AR रहमान को, हाँ, ए आर रहमान सर, वो और मैं RD बर्मन को भी फॉलो करता था बहुत टाइम तक। ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड ऑफ कोर्स एंड अ वेरी क्रिएटिव म्यूजिक डायरेक्टर। ही वॉज नॉट जस्ट अ म्यूजिक डायरेक्टर, ही वॉज क्रिएटिव। ही टू डू अ यस लॉट सर, ऑफ क्रिएशन इन हिज म्यूजिक, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक टू डू, एंड दैट्स व्हाट आई हैव सीन ऑल्सो इन क्रिस लेक। दैट्स व्हाई मैंने क्रिस लेक का नाम लिया, बिकॉज यस सर, वो भी एक बहुत ही क्रिएटिव म्यूजिक डायरेक्टर है। क्रिएटिविटी जो होती है साउंड की, वो सिर्फ कंप्यूटर्स में नहीं होती, करेक्ट सर, वो एक कप सासर में भी हो सकती है, समझे आप? वो एक यस सर, ग्लास में भी हो सकती है, वो एक बर्तन में भी हो सकती है, वो एक पंखे की चाल से भी हो सकती है, वो एक ट्रेन की पटरी की आवाजों से भी हो सकती है, वो एक झाड़ू मारने वाले की झाड़ू के साउंड से भी हो सकती है, वो एक बस के ब्रेक मारने के जो साउंड निकलता है उससे भी हो सकती है। तो सारी यस सर, इतनी चीजें हैं जिनमें रिदम है जो हम रियलाइज रियलाइज नहीं करते कभी कभी। करेक्ट सर, तो RD बर्मन, AR रहमान, क्रिस लेक, ये कुछ लोग हैं थोड़े बहुत, मैं खुद हूं, जो हम लोग हर चीज में दांत घसते हैं ना, हम लोग यस सर, उसमें भी एक रिदम और एक साउंड है, करेक्ट सर, या कोई सो रहा है और वो घुराटे मारता है वो भी एक साउंड है, यस सर, उसको भी आप उसको रिकॉर्ड करके आप उसको एक सैंपल यूज कर सकते हैं अपने साउंड ट्रैक। तो मैंने मैंने अभी ऐसे ही एक किया है, वो अगर आपने एक मीम देखा होगा, विराट कोहली का एक मीम चल रहा है जिसमें वो डायनासोर की आवाज निकाल रहे हैं, तो मैंने भी अभी वही किया है कि वो एक छोटा सा वोकल सैंपल है डायनासोर की आवाज, उसको मैंने अलग 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 जॉनर में रिमिक्स करके दिखाया है कि कैसे एक वोकल सैंपल को अलग अलग जॉनर में रिमिक्स कर सकते हैं। और जैसे आप हाँ अकबर साहब, आप ए आर रहमान की बात कर रहे हैं, तो वो छैया छैया ट्रैक में उन्होंने ट्रेन की आवाज को इतनी अच्छी तरीके से यूज करा है, ट्रेन की हाँ आवाज को, तो मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता होगा कि ट्रेन की आवाज से इतना अच्छा म्यूजिक भी निकल सकता है। हाँ रास्पुट रास्पुट ने गाना था बॉनी एम का, यस सर, करेक्ट सर, ट्रैक्स यस सर, विच दे यूज एंड मेड अ सॉन्ग कॉल्ड रास्पुटन विच वाज अ बिग हिट यस सर, ऑन द चार्ट्स। यू नो द थिंग्स लाइक दैट, देयर आर मेनी थिंग्स इन विच यू कैन क्रिएट साउंड एंड यू कैन यूज दोज सैंपल्स इन योर म्यूजिक प्रोडक्शन। तो सारे जो अभी नए नए डीजे हैं उनको ये सब चीजें नहीं पता, उनको बेचारों को स्केल भी नहीं मालूम है कि क्या होता है। वो तो गोस्ट प्रोड्यूसर्स है, उनको जो भी उनका दिमाग जितना चलता है वो कर लेते हैं काम। यस बट सर, जब आप स्टूडियो में बैठ के एक कुछ चीजें रिकॉर्ड करते हो जॉनर को दिमाग में रखते हुए, एंड क्यों हिट क्यों होते हैं ना, राविश तुमको एक सीक्रेट बताता हूं, यस सर, व्हाई सम ट्रैक्स बिकम अ ह्यूज हिट एंड व्हाई सम ट्रैक्स डोंट बिकम अ ह्यूज हिट इन रीमिक्स। बिकॉज वेन यू फॉलो द पर्टिकुलर जॉनर, उसको वो गाने का जो सोल, उसकी जो फैमिली होती है, उसको अगर आप दिमाग में रख के उस तरीके का म्यूजिक क्रिएट करोगे, तो वो जब लोगों के कान तक लगेगा तो उनको वो साउंड और म्यूजिक अच्छा लगेगा, दे विल करेक्ट सर, इंजॉय इट। करेक्ट, अगर आप बीड़ी जले लगाई ले और उसमें अगर आप EDM डाल दोगे तो वो कभी भी कान को अच्छा नहीं लगने वाला। यस सर, यस सर, ये चीज मैं भी हमेशा फॉलो करता हूँ। बहुत सारे डीजे हैं जो एक गाने का जो फील है ना वो खत्म कर देते हैं रिमिक्स बना के, मतलब गाना एग्जैक्टली गाना exactly.
गाना ओरिजिनल किस और फील में है और आप रिमिक्स क्या बनाएंगे? इसी वजह से डीजेस के नाम खराब होते हैं, रीमिक्सेस के नाम खराब होते हैं, बिकॉज उनको आइडिया ही नहीं है कि ये गाने को क्या करना है। हर गाने के अंदर ईडीएम डाल देना जरूरी नहीं होता, यस सर, उससे रीमिक्सेस नहीं बनते, उससे बर्बादियां होती है, उससे बर्बाद होता है, गाना बर्बाद हो जाता है, गाना बर्बाद हो जाता है, उसका सोल बर्बाद हो जाता है। करेक्ट सर। यू नो, एक ठुमके वाला गाना है, उसमें अगर आप किक डालोगे और ढोलक डालोगे, तबले डालोगे, तो वो उसको उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा वो, कॉम्प्लीमेंट लेकिन आप करेगा। वाह 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 सारे ईडीएम के साउंड डाल दोगे, उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, करेक्ट सर, वो कान को अच्छा नहीं लगेगा। और जो चीज कान को अच्छी नहीं लगती है, वो आप कुछ भी कर लो, कभी भी अच्छा नहीं लगता। वो कभी भी हिट नहीं होगा, करेक्ट सर। सर ये केतन दोसा आपसे पूछ रहे हैं कि व्हेन आई एम गेटिंग योर रेड जैकेट। As soon as I come to Pune, I'm getting it along with me. आपको आप पहले ये डिसाइड करोगे क्या चाहिए, आपको कुर्ता भी चाहिए मेरा लाल वाला, मरून वाला, आपको रेड जैकेट भी चाहिए, आपको क्या कौन सा कैसे चाहिए वो मेरे को आप पिक्चर्स व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं लेके आ रहा हूँ पूना। केतन मेरी जान हाजिर है, मेरी डार्लिंग, आई लव यू। हाय हैरी, हाउ यू डूइंग? सर और देख लेता हूँ, ये सर डिम्स का क्वेश्चन है, डिम्स 17 यूजर नेम है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नाइट क्लब्स नाउ? राइट नाउ द फ्यूचर इज वेरी डार्क, यस सर, बिकॉज ये गैदरिंग का चक्कर है, ये गैदरिंग नहीं होने वाली है बहुत टाइम तक, बड़ी बड़ी गैदरिंग तो ये 50 और 60 पीपल के अंदर रहेगी, और क्लब वाले जो है इसको रूल्स को ब्रेक करेंगे, करेंगे ही करेंगे, और जब करेंगे तो रेड्स होगी पुलिस की, उसमें और भी प्रॉब्लम्स होंगे, आप अरेस्ट हो जाओगे, और ये जो वायरस जो है ये इतने जल्दी हमें छोड़ने वाला नहीं है, ये आप समझ लीजिए, ये हमको होना ही होना है। मेरी एक डॉक्टर से बात हुई है कल सुबह सुबह, और उन्होंने मुझे कहा कि अकबर दिस इज नॉट गोइंग टू गो वेरी इजीली, और ये लॉकडाउन खुल गया है, लोग बाहर निकल गए पागलों की तरह, उनको नहीं समझ में आ रहा कि कितना डेंजर है ये चीज, और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो रही है, एंड पीपल आर जस्ट गोइंग एंड यू नो आई थिंक रूइनिंग देयर हेल्थ। सो प्लीज 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 आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाइए, दैट इज द ओनली वे दैट यू कैन सेव गार्ड योर सेल्फ, बाय ड्रिंकिंग मिल्क विल हल्दी, बाय हैविंग नीम, बाय हैविंग लॉट्स ऑफ ग्लासेस ऑफ लाइम वाटर, ऑरेंज जूस एंड मल्टीविटामिन्स, आपके इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए, और सिर्फ इन्हीं चीजों से आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हो, वरना आप यू आर गोइंग फॉर अ डिजास्टर। अगर आप गॉड फॉरबिड हॉस्पिटल चले गए, तो आपके वहां से ठीक ठाक वापस आना 80% तक चांस गड़बड़ है, 20% चांस आपको शायद हो सकता है कि आप ठीक ठाक वहां से बाहर आ जाओ। तो जहां आपका सवाल था क्लब्स का, मैं वापस वहां पे आता हूं कि यहां पर भी हमें बहुत टाइम लगेगा, 2020 इज अ वॉश आउट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, नोबडी इज गोइंग टू गेट वर्क, डीजेज आर गोइंग टू सफर, म्यूजिशियंस आर गोइंग टू सफर, एंड द क्लब ओनर्स आर गोइंग टू सफर, बिकॉज स्टाफ भी नहीं है उनके पास, ना बारटेंडर्स है, ना किचन स्टाफ है, ना कुक्स है, ना वेटर्स है, ना वैले पार्किंग वाले है, ना बाउंसर्स है, ना सिक्योरिटी है। तो ये सारे लोग जो है ये अपने अपने गांव चले गए हैं, ये आस्ते आस्ते इनको टाइम लगेगा वापस आने। जब ये वापस आ भी जाते हैं और ये जगह खुल भी जाती है, तो भी फिर भी इसको टू कम बैक टू ऑन ट्रैक विल टेक अबाउट 8 to 9 months मोर, सो बी प्रिपेयर्ड मेंटली ऑल्सो एंड फाइनेंशियली ऑल्सो, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट वर्क सो इजिली। सिटी सिटीज के जो लोग हैं, जो ओनर्स हैं, क्लब ओनर्स हैं, वो लोकल टैलेंट, जो लोकल डीजेस हैं, उनको हायर करने वाले हैं, आपको बुलाएंगे नहीं वो, क्योंकि फ्लाइट के भी जो टिकट्स है वो एक्सपेंसिस हो गए हैं, और ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि 6 घंटे और 7 घंटे प्रायर टू योर फ्लाइट यू हैव टू गो टू द एयरपोर्ट, और वो सैनिटाइज करना है, बैग खोलना है, ये करना है, वो करना है, इट्स नॉट द सेम, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, आई हैव फ्यू मोर थिंग्स टू से, बट टाइम कंस्ट्रेंट है ज्यादा, मैं आपसे आपका वक्त नहीं लूंगा रविश, एंड कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये श्रीजॉय भट्टाचार्य कोलकाता से पूछ रहे हैं कि व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन न्यूक्लिया? वेरी लकी गाय यार, वेरी लकी, आई थिंक
ही इज डन थोड़ा सा हटके काम, जैसे कि हम एनवाईके की बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक नया साउंड जो है वो क्रिएट किया और नया जॉनर जो है वो क्रिएट किया. बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, एंड ही इज डन अ ग्रेट जॉब. बट द थिंग इज दैट उसको सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है. वो जॉनर जो है वो 4, 5, 8, 10 गाने तक अच्छा लगता है, लेकिन अगर उस वही चीज को, वही साउंड को अगर आप सस्टेन करते जाए और उसको और वही उसको रिपीटेशन, रिपीटेटिव जो होता है वो एक बहुत ही बुरी चीज होती है, वो करेंगे तो वो नहीं चलेगा. तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से उनको उससे हटकर कुछ और करना चाहिए मेरे ख्याल से. बाकी इट्स कंप्लीटली योर कॉल. थैंक यू सर. ये कमेंट है डिम्स का कि व्हेन इज योर नेक्स्ट लाइव सेशन, आप अपना अगला लाइव सेशन कब कर रहे हैं सर? लाइव मैं अभी कर रहा हूँ. आईफा जो है हमारा वर्ल्ड म्यूजिक डे है और आईफा इज टेकन दिस इनिशिएटिव. आईफा अवार्ड्स वाले, विस्क्राफ्ट वाले मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, एंड दे आर डूइंग दिस वेरी वेरी बिग शो विद वेरी मेनी आर्टिस्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑन द 20th और ऑन द 23rd. आई थिंक 20 या 23 तारीख को ये शो होगा जिसपे मैं लाइव जा रहा हूँ. फॉर द फर्स्ट टाइम मैं प्ले करूंगा ट्राइबल बॉलीवुड. एक नया जॉनर शुरू किया है मैंने जो ट्राइबल बॉलीवुड है, और वो मैं उसको परफॉर्म करने वाला हूँ ऑन द 20th और 23rd ऑन द आईफा पेज. आईफा लाइव का एक पेज है, उसपे मैं लाइव रहूंगा और मेरे पेज पे भी वो शेयर होगा बाद में. तो दिस इज माई नेक्स्ट लाइव शो. सर आपके जो पुराने रिमिक्सेस आते थे उसमें भी हल्का हल्का ट्राइबल टच होता था, मैंने नोटिस किया है, हल्का सब में ट्राइबल टच होता था. वो होता था, एक फेटिश है, एक शौक है उसका साउंड का, क्योंकि मैं जब हाउस बजाता था तो जब से मैं यू नो आई यूज्ड टू प्ले ट्राइबल हाउस, ट्राइबल टेक. यस सर. सो आई लव दैट साउंड एंड दैट्स माय स्टाइल. सर ये डीजे अश्मैक हैं, ये कह रहे हैं कि डीजे एसोसिएशन के जो हेड हैं वो आप ही होने चाहिए क्योंकि आप इंडस्ट्री के सबसे सीनियर हो और आप ही को इस इंडस्ट्री के प्रोज एंड कॉन सब कुछ मालूम है, तो यू आर द बेस्ट गाय टू हेड दैट एसोसिएशन. यार थैंक यू अश्मैक, थैंक यू फॉर दैट सजेशन, थैंक यू वेरी मच. बट मेरे ख्याल से मेरे भी सीनियर्स हैं कुछ इंडस्ट्री के अंदर, और इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी आश. ये बहुत आसान काम नहीं है, ये मेरे अकेले का काम नहीं है, मुझे इसमें सपोर्ट चाहिए. और इस वजह से मैं, मेरे जो दूसरे यार दोस्त हैं उनको बोल, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि लेट्स स्टार्ट अ एसोसिएशन, और मुझे साथ नहीं मिला जैसे कि मैंने कहा पहले. तो मुझे उस सपोर्ट का बहुत जरूरत होगी, उस सपोर्ट की बहुत जरूरत होगी, और सिर्फ अगर वो मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं ये कर सकूंगा, वरना मेरे अकेले का काम नहीं है. इट्स अ बिग ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर इज टू मच वर्क व्हिच हैज टू बी डन टू इट. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू माय लेवल बेस्ट, जितना मेरे से हो सके मैं मेरे बच्चों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे फैंस के लिए मैं काम करूंगा, लेकिन मुझे हिम्मत चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए. Ravish, yes, I'm telling you also this yes, thing. Sir. And Ashmax, yes, I'm telling you also this thing. And all the DJs who are listening to me right now, I will need your support and help to do this. So support sir, me in the cause of Jam Remix Planet also. Because wahan par wo bachche sare jo hai, wo tune in honge aur unko wo madad chahiye. Aur wahin se hum ye association jo hai, ye bhi create karenge. Correct sir. Aur sir, isko... आप अगर हेड करेंगे तो जैसा एशमैक ने बोला कि हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज होगी बिकॉज यू नो द इन एंड आउट ऑफ द इंडस्ट्री. थैंक यू सर. आई बिलीव इसके साथ मेरे क्वेश्चंस भी और सारे कमेंट्स जो हैं उन पे जो क्वेश्चंस है वो भी कंक्लूड होते हैं. तो थैंक यू सो मच सर. आपने इतनी सारी, थैंक यू एवरीबॉडी हु इज ट्यून्ड इन इन द प्रीवियस शो आल्सो एंड हियर आल्सो, ऑल ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इतने देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए, थैंक यू फॉर ऑल योर क्वेश्चंस. And big shout out to DJ Ravish for putting it all together and you know, bringing in so much of information. I'm sitting here and talking to you because the kind of questioners that Ravish had you know, made, and it was so much of information that you need to know, we need to know, and together we can get together and rise up high in the sky. Thank you, Ravish, for having me over, and all the best to you for your upcoming shows.
थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन रवीश टॉक्स। थैंक यू टू ऑल द पीछे जो चल रहे हैं जिन सर, मैं वही वही ना वही नाम लेने वाला था, वो एक बार दे दूं तो मेरे स्पॉन्सर्स भी खुश हो जाए। तो सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन रवीश टॉक्स। दिस वाज प्रेजेंटेड बाय द वॉच फैक्ट्री, पावर्ड बाय द ऑप्टिका बार एंड सपोर्टेड बाय द ब्रांड एंड आर्टिस्ट फैक्ट्री। और सर आपने अपना टाइम दिया, और सर यूजुअली 1 घंटे का सेशन होता है लेकिन आपने इसको एक्सटेंड करके हमें 90 मिनट्स का टाइम दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, एंड आई होप आपको मैंने जो रिसर्च करी वो भी अच्छी लगी होगी। वेरी मच, थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, गुड बाय, थैंक यू। सो गाइज नेक्स्ट सेशन मेरा फ्राइडे को है डीजे अखिल तलरेजा के साथ, एंड सैटरडे को है डीजे नटोरियस के साथ। Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you.